और फिर होता है क्या है अंसारी सहाबा आते हैं एंड देवर यंगस्टर्स अल्लाह सारे यंगस्टर्स होते हैं अब देखिए वहाँ से उनको जो है रसोल्ला को कहते हैं कि या रसोल्ला वी आर रेडी टू यू नो टेक दिस रिस्क हम आपको लें अपने साथ लेकर जाएंगे हमें पता है कि जब हमने आपको अपने साथ ले गए तो पूरी दुनिया हमारे खिलाफ़ खड़ी हो जाएगी ये अरब हमारे पीछे आ जाएंगे हमारे जान माल खतरा हो जाएगा एंड यू सी वहाँ से जो रसोल्ला की जो है एक जर्नी स्टार्ट होती है सुफहानल्ला तो यंगेव अ वेरी वाइटल रोलानीडल अबाउट न्यूज फॉर अस इन फैक्ट यार, uh, <coughs> uh, यार सुफहानल्लावंथ आर्टी ना अजीब ही पाइप है mm. हमारा रोज़ाना रात के यहाँ पर इकट्ठा होना

Yes, so, I think, uh, na, जो आप अदर एक्टिविटीज बट इसकी थोड़ी जो तैयारी करना एंड देन स्पेशली यहाँ आकर आप दोनों से सीखना <laughs> 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 so, मुझे तो वो चीज ज़्यादा करती कि जब हम बात कर लेते हैं एंड में जब कैमराज ऑफ हो जाते हैं हाँ। तो एक है दूसरे को रिमाइंड करवाते हाँ। हैं कि यार बहुत कुछ कह दी बहुत बड़ी बड़ी बातें बाते बाते कर चुका है, exactly, तो है तो आज यू हैव टू द सेम तो ये जो है ना एक टर्निंग पॉइंट होता है मैं समझता हूँ कि बंदा ना रिफ्लेक्ट करे कि कहना बहुत आसान है हम लोग तो देखें ना अल्लाह तला ने इस्ता दी है दिस डिवाइस इज़ अमेजिंग राइट आप जो भी कहना चाहते हो कह सकते हो लेकिन बात तब बनती है कि जब आप उस पर इंप्लीमेंट करो इनशाला और सुफीानल्ला मैं सोचता हूँ कि वो जो है ना कि आसान तकरा रकम इनिशियली मेरा प्लान था कि हम तीनों ये रेगुलर पॉडकास्ट किया करेंगे लेकिन आपके फ़ादर के जाने से फिर वी हैव टू बोल अबूसाद भाई एन और मैं समझता हूँ कि अलहमदिल्लाध भाई के एडिशन से बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा हुआ है मगर हम चारों ही करना शुरू हो गए और अलहमदिल्ला दिस दिस सुल्हान अल्ला हालांकि कितने नॉलेजबल हम गेस्ट भी अच्छा मुझे याद नहीं पड़ता पहली आप तीनों किया करते थे हाँ, अच्छा ये था हाँ, लेकिन यानी कुछ एपिसोड्स yes, शुरू okay, और, okay, और okay. फिर एक्चुअली आ... एक बात आपको तो हो या ना हो आ, वो जो तजकिरा है ना वो नसीहत है हमारे दैट इज मेन पार्ट और इस वजह से हम इसको फील करते हैं उसकी वजह एक तो ये भी है कि हम चाहते हैं कि बातें बातें बस बातें ना होती रहें अब जो सारा सीखें उसको प्रैक्टिकल इम्पलीमेंटेशन भी हो ठीक है बाईस तेईस एपिसोड सुन लिए उसके बाद अब कुछ रातें हैं जब वध को रिस्म रबी तब्दीला अब अकेले हो जाएं और अल्लाह ताला की तरफ ना यानी थोड़ी <coughs> खलबत इख्तियार करके कमर कस लें और अब एक्शन पे आ जाए इन इस। तो दिस इज़ द लास्ट पॉडकास्ट और हमने इस लास्ट पॉडकास्ट के लिए बड़ा ही एक अमेजिंग हदीस सिलेक्ट की बिफोर दैट रमज़ान के बारे में ना पहले मैंने कभी भी ज़िंदगी में नहीं सोचा था कि ये एक महीना है। इसलिए आता है कि इसमें बंदा जो है ना अपनी लाइफ पर कुछ गौर व फ़िक्र करे और लाइफ को थोड़ा सा ना एम्प करने की कोशिश करे अल्लाह ताला क्लोजने से क्लोजनेस इख्तियार करे यानी दीन पे आने से पहले कभी ये सोच नहीं थी आई होप यू गाइस कैन रिलेट एज़ वेल बाद में एहसास हुआ कि रमज़ान जो है वो बड़ा केयरफुली अल्लाह सुब्हान साल ने एक महीना रखा है इंसान के लिए ताकि इंसान करेंगे रमज़ान आने से पहले तो ना रमजान की बल्कि बारे में ना बंदा बड़ा डिफरेंटली सोच रहा होता है कि बस शैरी अफ्तारी है हाँ। और शायद जो नाइट टूर्नामेंट्स और ये चीज़ें होती ये थोड़ी सी एक्साइटमेंट हो रही होती है कि यार दोस्त उस कहाँ इकट्ठे हुआ करेंगे यू नो और तराविया लम्हा बंद करने का प्लान होता था अच्छा, क्या क्या करना है जबकि पैरेलल वर्ल्ड वर्ल्ड में इन द ऑफ एंजल्स एंड द होल फिजा हैज़ चेंज्ड अब आप देख रहे हैं रमजान के महीने की कितनी बात होती है गैर रमज़ान में भी एंड आई नाइज टू सी एक बुक है मौजमफाहरस मैं समझता हूँ कि जो अरबिक लैंग्वेज के स्टूडेंट्स हैं उनके पास होने चाहिए उसमें आप कोई भी लफ्ज़ चेक करना चाहते हैं ना कि लफ् मूसा कितनी दफ़ा है वो आपको बता देगा कितनी टाइम्स जो से? है वो रिपीट हुआ है जो लफ्ज़ रमज़ान है रमज़ान Uh, आप गैस कर सकते हैं कितनी दफा लफ्ज आया है अच्छा। सरप्राइजिंग इतना जबरदस्त महीना जो सरदार है बाकी महीनों का शाहरु रमानदी फील कुरान दिस इज टाइम दर्ड रमदान इज़ बीन अकर्ड आया है। इसमें इब्नकियम रहा बड़ी ज़बरदस्त बात कहते हैं कहते हैं कि जैसे यूसुफ़ सलाम बारह भाइयों में एक भाई थे जो कि यूनिक थे hmm. राइट hmm. जिनकी वजह से बाकी भाइयों को भी तोबा का मौका मिलता है दर्न बैक टू अल्लाह सुबहन वाली इसी तरह रमज़ान का महीना एक दफ़ा अल्लाह <laughs> ताला ने ये लफ्ज इस्तेमाल किया है एंड इज सो पावरफुल कि ये सरदार बन जाता है बाकी महीनों का और ये एक अपॉर्चुनिटी है अल्लाह तरफ से अह मेरे बंदो आ जाओ मेरे पास तो दिस तो इज़ सो सरप्राइजिंग और देखें अल्लाह ताला हमें दोबारा जो है ना रमदान का महीना गुजारने की जो है तोफीक देता हूँ कि दिस मंथिंग इसमें ना कोशिश करें कि आखिरी दस दिन या पाँच दिन या सात दिन या तीन दिन एहतिकाफ़ लाजमी करें और मोबाइल को एहतिकाफ भी करवाएं साथ अपने ना और इसके अलावा अगर हराम जा सकते हैं अगर ने साथ तो लाजमी जाए क्योंकि वहाँ की जो वाइब्स ही और वहाँ पर ना एक लाइफ ही और वहाँ का रमज़ान एक अजीब रमज़ान है अल्डा तो लेट्स स्टार्ट ऑफ विद लास्ट पॉडकास्ट इनशा कौन सी हाँ वो अल्लाह एक जो हदीस है ना यार अमेजिंग हदीस है मैं एक रिसर्च पढ़ा था वो ये कि इस अर्थ का जो डिस्टेंस है ना सन से इट इज़ वन फोटी नाइन मिलियन किलोमीटर्स और अगर एक गाड़ी वन हंड्रेड एंड फोर एक सौ चार किलोमीटर पर आर पे ट्रेवल करती है तो वो ये जो डिस्टेंस है वो अराउंड वन सिक्सटी थ्री ईयर्स में कवर करेगी स्टिल हीट वेव्स इस दुनिया में आती हैं स्टिल कुछ जगहें ऐसी हैं जो अनहैबिटेबल हैं स्टिल कुछ जगह ऐसी हैं hmm. जो कि यानी समर मंथ्स में इंसान को बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है फ़िफ्टी डिग्री सिक्सटी डिग्री सेंटीग्रेड। तो जो हदीस जहन में थी ना वही थी कि सफ़ील्ला के जब सूरज एक मील पर होगा यानी वो जो हदीस के जो अल्फाज हैं ना वो ये हैं कि सब आत यौ मिला सात कैटेगरी के लोग हैं उस दिन अल्लाह के साय के नीचे होंगे अल्लाह के अर्श के साय, साय, साय तले होंगे जिस दिन और कोई साय नहीं होगा Hmm. जब ये सन इतना दूर है हमसे तो हमारे ये हालत हो जाती है और लोगों को हीट स्ट्रोक्स पाकिस्तान में होते हैं पूरी दुनिया में होते हैं जब सूरज एक मील पे होगा हदीस में आता है कि क्यामत के दिन सूरज एक मील के फासले पे होगा एंड यू आर ऑलरेडी बियॉन्ड डेथ मतलब यहाँ पे दुनिया में तकलीफ का क्लाइमेक्स क्या होता है डेथ hmm. जो कि आपको एक्चुअली रिलीफ देता है इट्स ऑलरेडी बियॉन्ड डेथ डेथ आपको नहीं आनी बट जो आपकी पेन का एक्सपोजर uh, है वो बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन अच्छा देखें चेंज कैसे होता है कि अभी तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं गुनाह करते हैं गुनाह नज़र नहीं आते राइट बंदे के गुनाह अगर अपेरेंट होने लग जाए उनकी बॉडी पे आ जाएं तो शायद हो सकता है एक बंदा दूसरे बंदे से मिलना भी पसंद ना करे लेकिन वो ऐसा दिन होगा सब लोग जमा होंगे जो गुनाह हैं वो कन्वर्ट हो जाएंगे स्वेट में पसीने में और हर बंदा देख रहा होगा कि मैं कितने पसीने में डूबा हुआ और हदीसी ही के अल्फाज हैं कि कई लोग होंगे अपने एंकल्स जितने स्वेट होंगे उनके उतने पसीने में डूबे होंगे कई अपने नी के बराबर कहीं अपने हिप्स और फिर नेवल और शोल्डर नेक कई ऐसे भी लोग फुल होंगे ऑलमोस्ट बस अभी डूबने लगे हैं हल्का उन्होंने जो है ना अपना नोज़ बाहर निकाला लगा वो कई लोग होते में चले जाएंगे मीनिंग वो कभी नीचे अपने ही स्वेट आ में इन्हें जितने गुनाह होंगे उतने पसीने में लोग एंड सिचुएशन इज़ नॉट गोइंग टू लास्ट एक होता है ना कि आप इस दुनिया में कोई अनकम्फर्टेबल इन्वामेंट uh, में होते हैं तो एक हज़ार तरीके होते हैं उससे कोप करने के लिए आपको गर्मी लग रही है आप एयर एयरकंडीशन ऑन कर देते हैं ऑल दैट लेकिन uh, पचास हज़ार साल का ये दिन यू कैन नॉट इवन इमेजिन इमेजन नहीं कर सकते you know? <laughs> even ये इमेजन नहीं कर सकते ना एक मील पे सूरज आ जाए एक मील पे यार मतलब आपने जो बात की ना जो हम लोग मतलब जब समर मंथ्स होते थे उस जमाने में मतलब पुराने टाइम में जब हम क्रिकेट खेलते थे ना तो पूरा पूरा दिन अब तो जो बाउंड्री का फील्डर होता था ना वो अक्सर ढूंढ रहा होता था कोई दरत शरक हो ना तो अगर फील्डें गई तो मैं बाउंड्री में थोड़ी सी ना साए दरत के साए में खड़ा हो जाऊँ बिकॉज वो आपसे नहीं खड़ा हो जाता था लाइक फॉर कपल ऑफ आवर्स आप धूप में नहीं खड़े हो सकते बल्कि आवाज़ भी ज़्यादा अब तो यहाँ से मिनट्स भी लोग पंद्रह बीस मिनट किसी को धूप में खड़ा ना एक दफ़ा जुमा पड़ना पड़ गया हरम के सहन में और यार वो मैं वॉशरूम चला गया ठीक है अपनी जगह छोड़ के काफ़ी घंटों पहले बट जब वापस आया तो द डोर क्लोज ब्रो हम धूप में बैठे हुए थे और ब्रो हमें चक्कर आ रहे थे हमें पसीना पानी हो चुके थे हम तो मैंने पता ही किया हमने जो ग्रीन बैरियर्स नहीं हरा में पड़े होते या वाइट बैरियर्स वो हमने करीब किए कारपेट्स उठाई और कारपेट को ऑन बैरियर्स के ऊपर रखा और हम ब्रो उसके नीचे ऐसे करके बैठ गए कि सूरज से बच जाएँ इतनी सख्त इतनी सख्त गर्मी थी कि बस इस हीट डायरेक्ट हीट से बच जाएँ और वो ब्रो एक जन्नत थी अगर वो जो जो जगह थी ना और ब्रो वो दिन कैसा होगा उरातन योम़यामती नंगे पांव नंगे जिसमसाइज्ड अम्ब्रेला तो दूर की बात है एक शिमाग या कपड़ा भी नहीं होगा कि इंसान अपने सर के ऊपर कर ले के चलो यार इस हीट से मैं डायरेक्टली बच जाऊँ कि एक्सपीरियंस किया है अमूमन करते क्या हैं एटलीस्ट जो भी कॉलेज यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हैं बाहर वेट कर रहे हैं किसी बस का किसी के आने का तो वो क्या करते हैं अपनी बुक्स को या कोई चीज़ जो ऊपर रख लेते हैं ताकि कुछ ना कुछ तो सहारा मिले अगर कुछ भी नहीं मिलता तो एटलीस्ट बंदा क्या करता है अपने हाथ को ना आगे ऐसे कर लेता है कि कुछ नजर तो आए अब जो आपने हदीस बताई है ना ब्रो अज़ीम, आई फील पर्सनली जो मुझे बेनिफिट दिया है ना थोड़ी बहुत अरबी पढ़ने से यार ये या आपको ना अंदर से ऐसी इंटरनलाइज करवाती है कि तुम्हें पता नहीं कि क्या सिचुएशन चल रही होगी मीनिंग आप उस दिन इस तरह भी नहीं कर सकोगे आपके पास इतनी एनर्जीज़ और इतनी इस्तात नहीं होगी क्यों क्योंकि हाथ अल्लाह बनाए हैं आपकी पूरी बॉडी अल्लाह ताला के हुक्म पे चलेगी उस दिन ऐसे नहीं कि मेरी बॉडी मैं जैसे वॉक करना चाहूँ मैं वॉक करूँगा जो बोलना चाहूँ नहीं कुरान जीत के है ना इल्ला हम वहाँ पे लोग खड़े होंगे सिर्फ़ सांसों की आवाजें आ रही हम सिर्फ सांसों की आवाजें आ रही होंगी मीनिंग आपकी कोई भी आपकी कुछ नहीं चलेगी आपकी कोई मनमानी नहीं चलेगी और आप अपने आप को बचा भी नहीं तो सकोगे ना कि पाँच सवाल के, के जवाब ना मिलने इंसान कदम नहीं मूव कर पाएगा जब तक उसे आ, तो यानी कदम नहीं मूव कर पाएगा और जो आपने बताया ना यौमिलानी बो सा है वाला साइस है, है, है इसका साब ऊँबे पड़ता है उस दिन इस सा नहीं अवेलेबल होगा कुछ भी नहीं कर सकते अल्लाह दिल्लो की जो अल्लाह तया नीसा बता रहे हैं

ज़्यादा साया का कुछ कि किसी किस्म का साया मिल जाए और अल्लाह ताला के अर्श का साया जिनको मिल रहा होगा इन यानी इतना खौफनाक दिन है कि जो हम वो लंबी हदीस पढ़ते हैं ना वो शिफात की वसल्लम की लोग इतने फ्रस्ट्रेटेड होंगे इसलिए नहीं क्योंकि हाँ। हाँ। हमारा फैसला कर दिया जाए यानी हिसाब किताब शुरू ही नहीं हो रहा अभी तक फिफ्टी थाउजेंड का एक लंबा दिन है और लोग इतने परेशान हो जाएंगे वो कहेंगे एक के बाद एक रसूल के पास जाएंगे कि यार जो होना हो जाए पता तो चले हम तो। कहा जा रहे स्टार्ट तो अल्लाह यार और सुफहान खैर क्या दिन तो बहुत लंबा डिटेल है क्विकली खास यतन और कुछ लोग तो यार उस दिन भी हम बात नहीं करते वो बहुत ही लंबा टॉपिक है बट यू नो रोज अल्लाह उस दिन ये सात लोग इन पे बात करते हैं ये सात लकी लोग कौन हो होंगे और उनमें से पहला जो है एक आदिल हुक्मरान जस्ट रूलर यार इंसान सोच सकता है कि अच्छा इसकी बात भी होगी और बुलाया जाएगा कि आ जाओ तो इस पे लेट्स डिस्कस क्या ख्याल है आपका अच्छा पहला हम लोग समझते हैं कि ओह आई मिस दिट आदिल हुक्मरान मैं तो हुक्मरान नहीं हूँ आई एम नॉट अ रूलर इब्न हजर अहमद कहते हैं कि तुम्हें से हर मुसलमान इस कैटेगरी में आ सकता है क्यों खुलुक मसून जाती है और उन्हें कहते हैं कि एक टी, टीचर्स पेरेंट्स बड़ा भाई छोटी बहन पे आ, जो, फादर, जो पर, फादर अपने घर के सरबरा होता है एक मदर जो है वो अपने बच्चों की सरबराह होती है अपने प्रिंसिपल जो है अपने स्कूल की वो सरबरा होती है बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है उसके नीचे जो मात है जो इम्प्लोईज़ हैं वो जो है इसमें आते हैं तो आदल करने वाला जस्टिस करने वाला क्योंकि ऐसी चीज़ों के बारे में जब आप सोचते हैं ना तो ऐसा नहीं कि अल्लाह ताला जो है अल्लाह ताला का मामला बहुत ही यार वो है एक ना अल्लाह ताला, ताला की रहमत बहुत वसी है जी ऐसा नहीं होता कि वो बहुत ही कोई ख़ास चंद लोग होते हैं जो कि चंद पर्टिकुलर अमाल करने वाले जिनको अचीव करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है ऐसी बात नहीं है वो वो ऑप्शन जो है ना वो अल्लाह ताली ने भरोसा आपके लिए रखा है अच्छा वैसे इस मैंने पर... जब ये सात चीज़ें पढ़ी ना तो मुझे ये हुआ कि यार मुझे एग्जैक्टली exactly यही एहसास हुआ जो हुँ. आपने भी बात की है ना कि यार ये तो प्रिटी मच हर बंदा इस चीज़ में फॉल करता है करता मतलब है। यार बंदा जब सोचता है ना तो इसको लगता है कि ये ना सात ऐसी चीज़ें होंगी जिनको अचीव करना बहुत मुश्किल होगा हालांकि ये इनको अचीव करना बिल्कुल भी अच्छा मुझे तो लगता है जो सात है ना इसमें ये नहीं है कि एंड ये सारी और के साथ ही है मतलब ये नहीं कि सातों की सातों होंगी तो yes, आप आएंगे profound, yes. so, आप ने एक पिक कर लें यार अगर आपको लगता है ट्राई तो सबकी करें मतलब आप करें यार मैं कहीं, कहीं तो फिट हो जाऊँ बट तो बेस्ट पार्ट और मुझे लगता है ये सात कैटेगरी जिस तरह बनाई है ना मतलब इट्स ओपन फ्री मतलब एक ओपन फील्ड है एनी बडी ओपन किसी तरह जाती नहीं है मतलब आप ये तो मैं तो मतलब इसमें गरीब हो मर्द हो औरत हो जवान है बूढ़ा है किस जगह है डजन मैटर यू कैन यू नो कम इन टू एनी मतलब इतना इंसाफ है ना Allah और Allah Allah. साथ साथ इक्वल अपॉर्चुनिटी भी है और मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज भी है मतलब yes. अगर एक है दूसरी आप सबके लिए ट्राई करें आप एक में फॉलो नहीं कर सकते हो आप किसी में चलो हुक्मरान में से हर कोई कहीं ना कहीं पोजिशन पे होता है लेकिन चलो आप उसमें वीक हो आप दूसरे में से बन जाओ चलो यानी जो और वाला आपने बताई ना बात तो उसमें से बन जाओ और एक कमाल की हदीस है आपने फरमाया अः होल्ड किस के बारे में बताया खबरदार करके जो जस्टिस को डिस्पर्स करते हैं यानी जस्टिस को प्रवेल करते हैं जस्टिस फैलाते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ये वो लोग हैं जो क्यामत के दिन रब के साथ नूर के मेंबरों पे बैठे होंगे और हदीस हदीसी एग्जैक्ट अल्फे हैं ऑन द र द रमान नूर के मम्बरों पर बैठे होंगे जो लोग अपने फैमिली में जस्टिस करते हैं और जो लोग रूल्स में जस्टिस करते हैं यानी जो लोगों के लिए रूल्स अपने रूल्स पर सुफानला ये वो लोग हैं अल्लाह जो कि सो मैं कहता ये हूँ कि हम लोग इसको रैप अप करते फर्स्ट कैटेगरी को कि यू कैन भी फ्राम दोज पीपल बस अदल करें हर मामले में चाहे वो डिसीजन अपने खिलाफ भी जा रहा हो अपनी वहाँ पर जिल्लत भी हो और अपने बेशक वहाँ पर आपकी चाहे जॉब जा रही है या पैसा कम होते हुए नजर आ रहा है कोई भी चीज है कुनो कावा मिन बिल किस शुहदा अननास वलो अला अनफूसिकम या अगर आपके खिलाफ भी कोई बात ही जा रही है तो आप और साफ इस इसमें इस इस जो जो मुश्किल पार्ट है ना मतलब अदल करना इतना आसान नहीं है और इसका एक बहुत बड़ा प्री रिक्वाइजिट है ना वो है आ, इल्म होना सो यू शुड नो यू right द राइट द रॉन्ग अदरवाइज आप शायद ना कर सकें इन नियत पे ताला फैसला करते हैं लेकिन यू नो वन थिंग दैट वी कैन लर्न अगर हम इस कैटेगरी में आना चाहते हैं कि अपने आप को नॉलेज से और <coughs> हिमत से जितना ज़्यादा uh, you know, कर सकते करें ताकि दूसरी जो कैटेगरी अगर हम उसपे आए तो उसमें जो है ना वो यंगस्टर्स के बारे में ग्रेट न्यूज़ अलहमद शाहबुन न शाह इबादत शाहबुन वो यंगस्टर जो अपनी जवानी को अल्लाह की इबादत में गुजार देता है अल्लाह अच्छा देखिए अभी आप बता रहे थे ना कि सबके लिए इक्वल एकचुनिटीज़ हैं एंड अल्लाह ये कैटेगरी अल्लाह ताला ने स्पेसिफिकली यूथ के लिए रखी हुई है मीनिंग जितने भी यंगस्टर्स आज हयात हैं और अल्लाह इसमें ने बड़ा कलाम किया है। कहते हैं कि यूथ किस को आप हाँ, कहते हैं यूथ राइट <laughs> right. तो हैं, 20 से स्टार्ट होती है है तक तक भी जाती है। और 50 तक भी जाती जाती और इट कुछ लोग ना ब्रो ये जो कॉन्सेप्ट कि चले यार बुढ़ापे में अल्लाह कर लेंगे जब जस्टोटो तो तो है जब हारमोनस हैं जब हाई यू नो नोटेशन पम्प कर रही हैं जो शख्स ब्रो उस टाइम में अपने आप को अल्लाह की अतात में लाइफ गुजार देता है ना यार ये अम्बिया का शेवा बहुत बढ़िया ये अम्बिया का शेवा बुजुर्ग जो सोचा था हमने बुजुर्गों से ये जवानी की बात अम्बिया का शेवा है अच्छा समझ बड़ी मुश्किल से आती है कि ये क्या उन्होंने बात की है बट ऑनेस्टली सुफीन अल्लाह जवानी में ब्रो जो बंदा अपने आप को ना वो मैं जब मदीना यूनिवर्सिटी में या उन लोगों को देखता हूँ ना कि जो ब्रो जवानी में तालबिल रोज जो एफर्ट कर मेहनत करेंदीस पढ़े कमाल के लोग और शेतान और शेतान का वार भी ना एक्चुअली इसी चीज़ पर होता है <coughs> कि जवानी में इबादत करके क्या करना है जब बूढ़े हो गए तो कर लेना अच्छा इस एज में अवेरनेस आ जाना बहुत बड़ी बात है कि बंदे को पता हो कि यार जहाँ पे अल्लाह के नबी फरमाते हैं इन व्ल्नफुलज मुदवा अगर जो मुदवा है जो पीस ऑफ फ्लैश है बॉडी में होता है अगर वो इंटैक्ट है तो समझो पूरी बॉडी इंटैक्ट है और वो क्या है वो आपका दिल है मीनिंग इनको पता है कि हमने अपने दिल को किसके साथ अटैच करना है सबसे ज़्यादा हमें किस साथ मोहब्बत होनी चाहिए तो यानी समझ में ये बात आती है कि देखें बंदा वही इबादत करता है जो अल्लाह ताला से मोहब्बत करता है इफ़ यू रियली लव अल्लाह सफ़ैन ताली यहाँ पे कुछ भी चल रहा होगा हो, हो सकता है आपके एग्जाम्स हो रहे हो और कोई बड़ा ही कोई डिफिकल्ट टास्क हो बड़ा इंपॉर्टेंट टास्क हो लेकिन जब इबादत की बात आती है जब अल्लाह ताला से ताल्लुक़ क़ायम करने की बात आती है दीव एवरी थे ताल की इबादत करते हैं अलहमदे कि हम लोग दोनों कैटेगरीज ने अभी देखें अल्लाह ते जवानों का स्पेशली उनका जिक्र किया ये नहीं कहा कि जो बुढ़ापे में अपनी इबादत में इसरा तो पहला भी हमने कैटेगरी ना रूलर जस्ट रूलर मतलब ये नहीं सिर्फ जस्टिस का जिक्र नहीं किया और इधर सिर्फ इबादत का जिक्र नहीं किया बिकॉज दोनों कैटेगरीज में एक जब रूलर होता है ना हुक्मरान है ही हैज़ पावर टू डू एनी थिंग जो दिल करे करे और जब आपके पास जितनी पावर आती है ना द चांसेस कि आप उसको मिस यूज करेंगे बढ़ जाता है बिकॉज आपकी अथॉरिटी जो दिल करे करो इसीलिए उस जस्टिस उस टाइम करना मुश्किल है उसके लिए फितना है है उसके लिए वो फितना और जवानी में इबादत में गुजारना जब आपके पास एनर्जीज़ हैं हाँ। गुनाहों में डिज़ायर्स आपकी ज़्यादा उरूज पे में जाकर आपकी डिजायर आती से ज़्यादा वैसी मर चुकी होती हैं पूरी हो चुकी होती हैंट सो यू डन विद दैट सो तभी अल्लाह ताला ने इसमें भी कहा जवानी में जो कंधा करे ना तो असल तो अजर भी उसका और मज़ा भी उसका मजदूर जब जाते हो यार बड़ी प्रोफाउंड पॉइंट ब्रो जब मस्जिद में जाते हो तो ज्यादातर लोग जवान होते हैं बूढ़े होते हैं बूढ़े बूढ़े होते हैं एक या दो लड़का आप जवान देखते हैं मुश्किल से तीन लड़के रमज़ान में तो डिफरेंट सिनेरियो होता है बट जनरली दसाज ओल्डर पीपल बाय बिकॉज जब आप नहीं रही ना गुनाहों की दायरे जैसे आपने कहा तो सन साल कहा करते थे कि अलादुलहसन फिल फिलुमरा अहसन अदल बहुत कमाल की चीज़ है लेकिन अगर उमरा और रूलर्स करें तो बहुत ही कमाल है असहात हैसन वकन फिलफ़रा अहसन सखावत करना बहुत ही कमाल की चीज़ है ਨੇਗਾ فقير سخي بہت حسن ولكن في النساء احسن حياة بہت كمال کی ٹریٹ ہے اگر خواتین تو احسن ہے اور حسن ولكن في الشباب احسن توبہ بہت كمال کی چیز ہے لیکن اگر شباب نا اگر

देखी जाएगी जब तक इसकी समझ सही होगी ना तब मैं इसे बात करूँगा अल्ला ही आपको ऐसी ऐसी नरेशन मिलती हैं हमने जो लास्ट टाइम भी डिस्कस की थी अपने अब्बास के साथ कि अहफ़ात यहाफ कि अल्लाह तला की हिफाज़त करो तुम तो अल्लाह ताल को अपने पास पाओगे तो अल्लाह के नबी ने यंगस्टर्स की पोटेंशल को समझा और ये उम्मत के लिए मैसेज है कि जो भी नौजवान ये सुन रहा है कि अल्लाह ताला ने आपके अंदर काबिलियत रखी है पोटेंशियल hmm. रखा हुआ है अब hmm. ये आप पे डिपेंड करता है कि इस एनर्जीज को आप किस तरीके से ड्रेन आउट करते हो hmm. अगर आप नेगेटिविटी में और अपने आप को ये दिलासा देके कि कोई मसला नहीं है यार अगर थोड़े बहुत गुनाह हो भी गए उम्र बड़ी लंबी है बाद में देखी जाएगी नहीं नहीं ये शैतान का धोखा है शैतान की तरफ से है तो वॉट यू हैव टू रियलाइज इस कि ये अभी मौका है अगर अभी आपने फ्लाइट सही ले ली ऊपर की जाने तो इनशाला आप देखिएगा कि ये यंगस्टर्स जीत शेख रसोल वसल्लम की जब आप बायोग्राफ़ी पढ़ते हैं ना ग्यारहवा साल है रसोल्ला का मक्का में दावत देने का और ये मुझे वाकई ना बड़ा घूसबम्स देता है अब आप इमेजिन करें कि तयफ़ का वाक़ हो चुका हुआ है और अजर खदीजा रजी रजीहा वो फोत हो चुकी हैं तालिब भी है वो भी जो, जा चुके हैं और अभी हज का सीज़न आया हुआ है और दौरे जाहलीत का जो है हज है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक एक करके खेमे में जा रहे हैं कि प्लीज़ डू यू वांट टू लिसन टू मी लोग कह रहे हैं कि नहीं आप नहीं वी आर वी आर लीस्ट इंटरेस्टेड फिर, से थे। आ, फिर जा रहे हैं यानी ऐसी सिचुएशन है अजरत अली आपके साथ हैं अबू बकर साथ हैं और अबू जहल वगैरह सारे हंस रहे हैं कि देखो यार आई I मीन mean, इस्लाम आ, इस्लाम हैज़ लॉस्ट और फिर होता है क्या है अंसारी सहाबा आते हैं एंड देवर यंगस्टर्स सुभान अल्लाह सारे यंगस्टर्स होते हैं अब देखिए वहाँ से उनको जो है रसोल्ला को कहते हैं कि यार रसोल्ला वी आर रेडी टू यू नो टेक दिस रिस्क हम आपको लें अपने साथ लेके जाएंगे हमें पता है कि जब हमने आपको अपने साथ लेके गए तो पूरी दुनिया हमारे खिलाफ़ खड़ी हो जाएगी ये अरब हमारे पीछे आ जाएंगे हमारे जान माल खतरा हो जाएगा एंड यू सी वहाँ से जो रसोल्ला की जो है एक जर्नी स्टार्ट होती है सुबह अल्लाह तो यंगस्टर्स दे हैव अ वेरी वाइटल रोल टू प्ले एंड इसलान के बारे में क्या आता है

एक बंदा जिसको थोड़ी सी दीन की समझ होती है उसको एक जैसे ही अजान होती है नमाज का वक्त होता है तो उसको एक ना फितरतन एक इेट फीलिंग होती है कि यार एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है यार हुँ, हुँ, कि कुछ ना कुछ करना है हुँ, हुँ। क्या इससे मुराद ये है या ये कोई नेक्स्ट डिग्री की बात है कि एक बंदा जो मैं है मस्जिद नमाज पढ़ने गया वापस आया तो

कहीं ना कहीं जो कैटेगरीज है ना दिल का मामला और मोहब्बत का मामला है मीनिंग फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे किसी से मोहब्बत है ना आई से आई लव माई फादर आई लव माई मदर तो होगा क्या कि अगर उनसे मैं बातचीत कर रहा हूँ अगर मैं उनसे जुदा भी होता हूँ फॉर इंस्टेंस या मैं कहता हूँ कि आई लव माई चिल्ड्रन फॉर इंस्टेंस बाहर काम के लिए गया हुआ बट आई वॉन्ट टू कम बैक आई वॉन्ट टू प्ले विद दैम राइट तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं जल्द से जल्द जल जो है वापस जाऊँ उनके साथ जो है मुलाकात करूँ आई इन्जॉय देयर कंपनी आई लाइक टू प्ले विद दैम तो सिमिलरली कि जब आप नमाज पढ़ते हो खत्म हो जाती है एंड सुबह अल्लाह जब बंदी की ये नीयत हो जाए और उसका उसकी हालत ये हो जाए कि नमाज खत्म हो रही है लेकिन इट इज़ you know, एंड इट ओवर दे। यार इतनी जल्दी खत्म हो ये यानी इंसान का जो अपने बच्चों के साथ मामला होता है ये तो वो वाली बात आप कर रहे हैं वही मामला इंसान का मस्जिद के साथ मस्जिद के साथ और मस्जिद किसके साथ कनेक्टेड है अल्लाह के साथ नमाज के साथ नमाज़ और अल्लाह तुम देखेंगे आपका दिल कैसे कनेक्टेड था मस्जिद के साथ वो लंबे सफर से आए घर जाने से पहले मस्जिद नबी में दाखिल हुए दूर रखते हैं पड़ी मस्जिद वॉज एवरी थिंग फॉर देम जब भी साहब को गैदर करना है इनको मस्जिद बुलाओ सब आलमी नबी तालब जब हजरत फातमा से नाराज हो गए मस्जिद में आगे लेट गए

And leaving early. तो हमारी मसाजिद भी डिफरेंट तरह की हो चुकी हैं डिफरेंट फिरकों में बढ़ चुकी हैं हर मस्जिद का माहौल डिफरेंट हो चुका हुँ। हुँ। है और हम तो ईमान के अजीब ही लेवल पे हैं कि हमारे लिए मस्जिद का जो इन्वामेंट है उसकी वो कितना कम्फर्टेबल है ये भी बहुत मैटर करते हैं भाई थे आई uh, रिमेम्बर वो बल्कि यू नो वन ऑफ़ द यंग पीपल एंड ही वॉज द फर्स्ट इन द मस्जिद आप मस्जिद जाएंगे ना तो आपको पहले नजर आते थे एंड सब निकल रहे होते थे he was still there in the and, uh, वो स्टिल देर अंद एंड वो बाहर उधर जो होता था यूके में ना वो जो होता है ना ख़ाद मस्जिद का वो हर मस्जिद नमाज को लॉक होती है मस्जिद उन्हें लॉक करनी होती है लाइट्स ऑफ करनी होती प्रॉपर hmm. लॉक होता है एंड ही यूज़ टू यू नो वेट कि ये भाई निकलेंगे तो वो उनको कहते थे भाई निकल आए टाइप में ना तो ऐसे लोग भी होते हैं और ये मुझे अब ये हम बात कर रहे थे मुझे वो भाई इसलिए याद है कि यार ही वॉज़ देट ब्रदर जिसका दिल ना मज़े में ही डेंट वॉन्ट टू लीव वो जल्दी आ रहे हैं लेट। तो खैर ये भी चीज़ है कि जब आप कुफर के लैंड पे होते हो ना और आपको अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम होती हैं तो कभी कभी ऐसे लोग जो अल्लाह के दिन की तरफ ज़रा ज़्यादा रगबत रखते हैं ना तो वो उस चीज़ को ज़्यादा वैल्यू करते हैं जब आपके पास चीज़ बहुत ज़्यादा

जब मस्जिद से बाहर निकलते हैं जैसे मछली तड़पती है ना hmm. ये वैसा महसूस करते हैं तो अच्छा पहले तीनों में से अच्छा एक और चीज बड़े मजे की मैंने एक आलिमी सुनी थी एंड सो प्रोफाउंड सेट के अगर एक बंदे का दिल हरा में मक्की से जुड़ा हुआ है ना मुझे जानना है मुझे जानना है ये भी उस हदीस में आता है अच्छा yes, चलो फिर तो कोई चांस है <laughs> <laughs> एक बंदा वो मुझसे नबी जाना चाहता है ना कि अल्लाह मुझे हरा मैन बुला ले बार बार या मुझे अलग सा बुला उससे ब्रो ये क्योंकि ताल्लुक डिस्टेंस से फिजिकल है ही नहीं इसका ताल्लुक दिल से है दिल और मोहल्क होने से है बेसिकली सो इवन ही ही कम्स आउट ऑफ फ्रॉम उमरा वो पाकिस्तान आ गया लेकिन दिल उसका वहीं रह गया ही लेफ्ट हिज हार्ट इन मक्का तो ये भी उस कैटेगरी में आ सकते हैं इंशाल्लाह इंशाल्लाह तो थोड़ी आसानी होगी चौथा पॉइंट जी चौथा पॉइंट चौथा बंदा वो है ये राजुलानी तहबा फिल्ला हर रोज कई नौजवान मुझे बताते हैं कि कैसे यूथ क्लब ने उनकी जिंदगी बदली कैसे उन्हें डिप्रेशन हराम रिलेशनशिप्स ड्रग्स फहाशी दीन से बेजारी एथीज्म फेमिनिज्म लिबरलिज्म इन तमाम अंधेरों से किस तरह यूथ क्लब की वीडियोस ने निकाला और किस तरह अल्लाह व तआला के नूर की तरफ आए वो सब कैसे यूथ क्लब की वजह से उनकी जिंदगियों में मुसबत तब्दीली आई ऐसे लाखों नौजवानों तक हमारी पहुँच अल्लाह व तआला के बाद आपकी चैरिटी आपके सदक़ात और आपकी ज़क़ात से मुमकिन होती है हमारी वीडियोज़ पॉडकास्ट करोड़ों लोगों तक पहुँच रही हैं और उनके ज़रिए अपनी ज़िंदगी में मुसबत तब्दीली लाने वाले हर एक शख्स और उससे आगे उसकी संवरने वाली तमाम नस्लें सब का अजर आपके नामा में जाएगा इन इसलिए बी पार्ट ऑफ द यूथ क्लब फैमिली एंड डोनेट इजतम आल ही वफर आल ही इसमें इन शाह हमें <laughs> अल्लाह करे <या> <laughs> अल्लाह करे ये वो दो लोग हैं जो अल्लाह के लिए आपस में मोहब्बत करते हैं मिलते भी अल्लाह के लिए हैं और बिछड़ते भी अल्लाह की रज़ा के लिए यार अल्लाह अगेन दिल का मामला यार अच्छा मुझे पता है क्योंकि बड़ी मसमुराइज uh, करती है बात कि देखें ये आपस में जो मोहब्बत करते हैं इसलिए करते हैं क्योंकि अगला बंदा अल्लाह से मोहब्बत करता है यानी इसकी ऐसी आदतें हैं जो अल्लाह तला को पसंद है दर इज़ अ रीज़न आई एम लविंग दैट पर्सन राइट एंड वाइस वर्सा और हेट भी किस लिए करते हैं क्योंकि एक ऐसे अमाल करता है जो कि अल्लाह तला को पसंद नहीं है यार And आप लोग अपना बता सकते हैं yeah. किससे मोहब्बत करते हैं हम चारों की, एक, एक, आप अपनी बात ना करें किसी ऐसे ब्रदर से जिसको आप अल्लाह की रजा के लिए मोहब्बत करते हैं मैं एक बंदे के बारे में कह सकता hmm. यानी आसिम हमीद नहीं है hmm. <laughs> तो मीट <laughs> ना

कभी कभी जिस बंद से आप अल्लाह के लिए मोहब्बत करते हो और उससे काम भी हो होना उसे मुशायर से आपने इल्म बेनिफिट करना है आपको अल्लाह की रज़ा के लिए मुहबत है बट देर इज़ एन एस्पेक्ट कि इनसे मुझे इल्म का मैंने इल्म भी हासिल करना है मेरा भी बेनिफिट है वो भी अल्लाह की रजा की ही है बट देर आर सम समीपल जिनसे ना आप यानी इज नो अदर यानी सो प्योरिटी बहुत ज़्यादा एक्चुअली जो अब साद ने कहा ना वो सबसे बड़ी बात है यह अल्लाह ताली की तरफ से मोहब्बत डी हुई होगी आपने तो नहीं की होती ये आपने सोच के तो नहीं की होती अहमद भाई से मुझे जो मोहब्बत

मतलब ये तो फिर शायद इतना मुश्किल ना हो करना या है या कोई इसके अंदर कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है कि अगेन लेट्स डिस्कस अल्लाह की रजा के लिए मोहब्बत होती क्या है हाँ आपने कहा अल्लाह की रजा के लिए मोहब्बत यह है कि वही बात है कि यह अल्लाह से करीब है मैं इसे मिलना चाहता हूँ इसके करीब होना चाहता हूँ ये जब ही से मैं मिलता हूँ मुझे अल्लाह की याद कराता है ठीक हाँ। है और मेरा इल्म बढ़ता है लेकिन मेरा अमल आखिरत मैंने हदीस में या किसी जगह पे मैंने ये बात पढ़ी है कि एक शख्स जो दूसरे शख्स से बगैर गर्ज़ के मिलने के लिए जाता है सिर्फ गर्ज उसकी ये होती है आपने गर्ज़ का पहले हालांकि हा, लेकिन उसकी गर्ज सिर्फ अल्लाह की मोहब्बत होती है उसकी है ना कोई दुनियावी गज नहीं है यानी अच्छा वही इंसीडेंट की बात करें कि एक शख्स जो है ना किसी दूसरे शहर में जाने की कोशिश करता है तो रास्ते में फरिश्ता इंसानी शक्ल में आता है कहाँ जा रहे हो फना जगह जा रहा हूँ किससे मिलने के लिए उससे मिलने के लिए क्या काम है तुम्हें कोई ऐसा काम नहीं है अल्लाह ताल के लिए जा रहा हूँ बिकॉज़ आए यानी अल्लाह ताली की मोहब्बत की वैसे मैं इससे मोहब्बत करता हूँ अच्छा वाकई और कोई काम नहीं है कोई काम नहीं है तो फिर वो फरीसा जो है ना वो डिस्क्लोज करता है कि अगर इफ़ दिस इज़ द केस तो अल्लाह ताली भी आपसे मोहब्बत करते हैं तो और देखिए सुभान सुबहानल्ला जो दुआ है जिसमें आप अल्लाह तला की मोहब्बत मांगते हैं अल्लामी असल का हब्बक अब देखिए कंटिन्यू होती है दुआ वाहब मन यू एल्ला मैं ऐसे बंदे की भी मोहब्बत का सवाल करता हूँ जो आपसे मोहब्बत करते हैं वा एंड सी इट्स ऑल कनेक्टेड शबाब वो याद है ना वाक्य कि एक सहाबी आए सऊबान जब रसोल्ला मिल नहीं रहे थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो वो ना बड़े परेशान हो गए यार रसोल्ला कहाँ थे आप आई रियली मिस यू तो फरमाए रिलैक्स रिलैक्स मैं तो इधर ही कहते यार रसोल्ला नहीं प्रॉब्लम ये है कि यानी

अलमर उमय्याम अहब और ये जो स्टेटमेंट है ये फ़रिश्ते लेके आए थे यानी जबरीलम ले के आए थे क्योंकि ये कुछ मोमेंट्स हैं रसोल्ला की जमीन के कि वो खामोश हो गए कि भाई मैं क्या जवाब दूँ अच्छा तो जबरीलम वो अल्लाह ताली की तरफ से पैगाम ले के आते हैं कि ए नबी अपने उम्मतियों से कह दे अलमर उमायाम अहब के बंदा उसके साथ होगा क्यामत के दिन जिससे वो दुनिया में मोहब्बत किया करता था अनस बिन मालिक सुन रहे हैं ये सब वो कुछ राइट <laughs> अनस बिन मालिक कहते हैं कहते हैं कि जब मैंने ये हदीस सुनी दिस हदीस बिकेम माय फेवरेट हदीस बिकॉज आई नो आई कॉन्ट बी लाइक रसोलह बट आई नो आई लव सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आई लव अबू बकर आई लव उमर तो इनकी मोहब्बत की वजह से मुझे उम्मीद है कि मैं कहीं कही ना कहीं इनके पास पहुंच जाऊंगा एंड पहुँच अल्लाह इफ़ यू लव सच पीपल बैक टू दैट हदीस वह टूटी अगर आप उनसे मोहब्बत करते हैं जो अल्लाह ताला से मोहब्बत करते हैं तो उम्मीद है अगर आपके अमाल थोड़े से डामा डोल हैं उनकी मोहब्बत की वजह से आप जो है अल्लाह ताला के करीब हो जाएंगे यानी इसमें यह जरूरी नहीं है कि वो बंदा जिंदा हो जरूरी जरूरी नहीं नहीं है है वैसे भी कि वो बंदा आपके शहर में रहता हो ये भी यानी जो चले गए इधर का मामला ना शेख वो शेखर हसन ने एक अपना वाक़ शेयर करते हैं कहते हैं मैं बुलूगुल मराम की तैयारी करते करते हैं, सो गया मैंने वो ख्वाब देखा लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट के ख्वाब में ना हर कोई ईद ईद का समा है हर कोई घर से निकल रहा है कहते हैं मैं बड़ा सोचता रहा कि मैं आपसे शेयर करूँ या ना करूँ तो कहते हैं कि लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट कहते हैं कि हम लाइन में चले गए और देखा कि अल्लाह के आदमी से मुलाकात है वहाँ पर कहते हैं बड़ा एक बैरेंट सा एक लैंड था तो कहते हैं कि कुछ लोग वेटिंग लाइन थी लंबी और कुछ लोग वीआईपी से गुजर रहे थे तो मैंने एक शख्स को देखा कि जो शेख इसके हाथ में पेपर पेन और लिखते जा रहा है और उन्होंने एक शख्स पकड़ा है और वो जा रहे हैं तो मैंने कहा ये कौन है तो उन्होंने कहा एक शेख अलबानी है लापुर और दूसरे एक सहाबी का नाम लिया मुझे भी साहबी का नाम याद नहीं है यार यार। बिन जुबैर थे या जुबैर बिनलावाम थे वल्लाह आलम कौन थे कहते हैं कि ये इनसे डिस्कशन कर रहे हैं और वह अल्लाह के नबी के पास जा रहे हैं और कहते हैं दूर अल्लाह के नबी बैठे हुए तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों के लिए खड़े नहीं हुए जब ये दोनों कहा ना तो खड़े हुए इन दोनों का से बीच में किया और बीच में कुछ कहा आपने भी स्माइल किया इन्होंने स्माइल किया और फिर ये गरीब के लोगों में बैठ गए बाकी लोगों को जो मुलाकात करवाई वो आके अल्लाह के नबी से मिले उन्हें अपना बताया व पीछे चले गए और फरिश्तों से मुझे पूछा कि हम वहाँ क्यों नहीं बैठ सकते तो उन्होंने कहा कि यू यूनिवर्स सर्व यमर तो मेरी बेटी ने मुझसे पूछा कि बाबा आपने तो आप तो पढ़ाते हैं और पढ़ते हैं और आप दीन का कहते नहीं बेटा मैं इनकी तरह काम नहीं कर सका Allah. रो दिस मुझे अचानक से क्यों हालांकि मैं जहन में नहीं था ये क्यों याद आया कि ही शेख अलबारी सो शे खलवारी विदे वाई बिकॉज दे आर लिविंग विद सहाबा दे आर लिविंग विधी देर उन पर डिस्टेंस है सालों का बट वो साहबा के साथ ही पैदा हुआ है और साहबा के साथ ज़िंदगी गुजार है जो साहबा के साथ ही बहुत है और मैं ये सोच रहा हूँ कि शेख अब्दुलरहमान हसन जैसा बंदा अगर ये देख रहा है तो आम बंदा हम लोग कहाँ फॉल करते हैं जिसका दिन रात जो है वो अदीस के साथ और पढ़ने पढ़ाने से गुजर आएगा उसको यार अल्लाह माले कहते हैं कि इस्लाम कबूल करने के बाद उस खुशी के दिन के बाद कोई और ख़ुशी का दिन नहीं है एक्सेप्ट इस हदीस के जो हमें मिली है अलमरुमा मरहब हम जिससे क्योंकि हमें पता था मोहब्बत करते हैं अमल की कमी है सही बात ब्रो ये मोहब्बत का अमल जो है ना अल्लाह इतना कमार है कि क्यामत के दिन ना अल्लाह आलमीन ऐलान करेंगे अतः न बी जलाली कहा है वो लोग जो मेरे लिए मोहब्बत करते थे आज मैं उनको सया दूंगा मेरे अलावा कोई सया नहीं है लेकिन प्रो ये मोहब्बत जो है ये सिर्फ़ <laughs> अल्फाज की मोहब्बत की आ, बात तो नहीं हो रही ना आप ये देख लें कि हम क्लेम करने वाले लेकिन हमारे एक्शंस कितनी कोई मोहब्बत का की अक्सी करते आ, हैं क्या हम अल्लाह के नबी वसल्लम की मोहब्बत में कोई हराम चीज़ छोड़ सकते हैं नहीं छोड़ सकते ठीक है हम अल्लाह ताला अल्लाह के नबी वसल्लम की मोहब्बत में ये दिन की बारह रखते पढ़ सकते हैं सुनत So, वो सारे अजकार कर सकते हैं हाँ. हम नहीं है ये काम करने वाले तो वो जो खाली खुली मोहब्बत का दावा है वो क्या है हाँ। एक असन साहब भी कहते हैं अ नेशन क्लेम्ड टू तो लव रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड अल्लाह सुब्हानहु व तआला टेस्टेड देम विद एन आया खोल इन कुंतुम तुहिबुनल्लाहा फतबेउनी बिहबबकुम अल्लाह और वो टेस्ट प्रूव हो गया तो इफ़ वी वांट टू टेस्ट ना कि हम अल्लाह की मोहब्बत हम अल्लाह से मोहब्बत करते हैं अल्लाह के नबी से तो ऊपर अल्लाह की मोहब्बत है ना तो हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कितनी करते हैं अच्छा इससे ना बात समझ में आती है कि एक तो होता है कि पर्सपेक्टिव लीगल पर्सपेक्टिव अच्छा जब ये बहस होती है कि अच्छा फ़र्ज तो मैंडेटरी है ये पढ़नी है सुन्नत है अगर नहीं पढ़ेंगे तो गुनाह नहीं होगा इस तरह की जो बहस है अच्छा एक है मोहब्बत का पहलू जी जी अगर एक शख्स कहता है कि मैं वाकई मोहब्बत करता हूँ मिलेगा या गुनाह नहीं होगा उसका तो, तो नहीं पैदा है, नहीं होता कैलकुलेशन भी नहीं, नहीं, तो नहीं आती शेख अगर हम, हम सुनत समझ के सुनना छोड़ते हैं और साहबा सुनत समझ के सुनत में अमल किया करते थे। शेख बहुत बड़ा डिफरेंस है ये बहुत बड़ा डिफरेंस है आज यानी हम लोग कोशिश कर हैं कि यार एटलीस्ट किसी तरीके से फ़राइज अदा हो जाए आसान तरीके को और जज करने का ना एक जनरल बंदे के लिए <laughs> आप देख लें कि आप कोई किस चीज़ का यकीन है कि मैं इस फलानी चीज़ से शख्स <laughs> से तो मुहबत करता ही करता हूँ एंड देन यू सी वट काइंड ऑफ लव लवट इज़ लव यानी उसके तकाजे क्या होते हैं ना आपका कोई दिल करता है ना किस चीज़ में यू यू डू इट इट स्पेंड टाइम विद अगर कोई ऐसा इंसान है अगर अपनी माँ से बहुत मोहब्बत करते हैं यू वॉन्ट टू बी ओबीडियंट सन और डॉटर तो अगर वाकई अगर हम अल्लाह और अल्लाह के नबी से मोहब्बत करते हैं या हम किसी

मामला ही और है तो ना, ना। तो 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 और कुरान पढ़ना शेख अब्दुल बदल कह रहे थे कुरान पढ़ने का ये मकसद नहीं है ये ना सोच रहा कि बंदा खत्म कैसे कितने जल्दी करना है वो कुरान के साथ कितना है। तो अल्लाह तो तीतु Yes. That's Allah, Allah ka जिस इंसान मोहब्बत करता है उसके लिए कुर्बानी देने के तैयार होता है ना करता है अपनी को, नींद औलाद को, से करता है माँ अपनी नींद कॉम्प्रोमाइज़ कैसे कर लेती है यार हालांकि वो माँ जो किसी और के लिए नींद कॉम्प्रोमाइज औलाद के लिए करती है सो यू कॉम्प्रोमाइज फॉर फॉर दन लव एंड यू लव टू अच्छा इसमें हम एक बात करते हैं मुझे अगर तो खैर पिछले बाईस और सुफ्यानार अल्लाह तला पे ना कोई चीज़ कोई शख्स वाजिब नहीं कर सकता लेकिन अल्लाह सर ना वाजिब कर दिया है ऐसे लोगों की मोहब्बत यार हदीस में आते हाँ नफिया वहबतः भी नफिया मैंने वाजिब कर दी मोहब्बत अपने उपर उन लोगों के जो आपस में मोहब्बत करते हैं मेरी रजा के लिए ज्यारत करते हैं दूसरे की मेरी रजा के लिए और बैठते हैं मेरी रजा के लिए यार एंड सुभान अल्लाह अगर हम यही अमल करना शुरू कर देना यार बहुत कम लोग हैं है। ब्रो तो मांग सकते हैं इसकी और वो जो है ना कि सलामकुन तीन चीज़ें जिस चीज़ में हुई वो हिलावत ईमान महसूस करेगा स्वीटनेस ऑफ ईमान उसको हर चीज़ अल्लाह और उसके रसूल की बहुत हर चीज़ से अफजल हो कुफर की तरफ पलटने पर वो इतना बुरा महसूस करेगा उसको आग में डाल दिया जाए और वो तीसरी जो चीज़ है वो लव्स हिज ब्रदर फॉर अल्लाह व तआला होता सो दिस इज स्पेशली ये चैलेंज बहुत ज़्यादा आजकल 21 सेंचुरी में ज़्यादा है बिकॉज ये मटेरियलिस्टिक दौर है इसमें काम की वजह से मुलाकात करते हैं काम की बात अब जरा व्हाट्सएप में चैट्स खोलें मैंने अपने भाई से जो लास्ट टाइम बातें की हैं वो सिर्फ काम की बातें हैं जब काम नहीं पड़े तो बात ही नहीं की अच्छा मुश्किल इसलिए ज़्यादा हो जाता है कि ये जो नार्सिसिज्म है कंपटीशन है जी। अगर एक बंदा ठीक <coughs> होना भी चाह रहा है लेकिन दूसरी तरफ कोई हाथ ही नहीं पकड़ा रहा डू गेट द पॉइंट डे लेकिन इसको फिर अपने वही जज्बात कायम रखना और उसी माइंडसेट से आगे चलना तो इट मेक्स मोर डिफिकल्ट फॉर हिम टू डू दैट राइट तो फिर वो नीयत की बात आ जाती है कि अल्लाह मैंने तो अपनी तरफ से कोशिश की थी तो बाकी जजा देना वो आपका काम था अच्छा पाँचवीं कैटेगरी पर मूव करते हैं शख्स की बात है और रजुल की बात है ठीक है जिसको एक मनसब और जमाल वाली औरत ने जना की दावत दी और वो कहता है इन अखाफुल्ला और ये आ, ये जो मकाम है ना ये मकाम यूसुफ़ है यूसुफिक स्टेशन है उठाना लाइए और हमें पूरी उम्मीद है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम तो इस हदीक के मजदाक में आते ही आते हैं नबी होने के बाद तो लेट्स डिस्कस अबाउट करी तोना आजकल बहुत आम ही ये इसमें एक और बात भी है अरबिक में ना इंशाल्लाह ये कायदा हम समझ लें कि जनरली अरबिक में जब रजुल का लफ्ज आता है ना इसमें मर्द और, और औरतें दोनों शामिल हैं सिमिलरली hmm. जब औरत का नाम आता है ना तो उसमें मर्द भी शामिल है अनलेस इट इज़ स्पेसिफाइड मिसाल के तौर पे अगर ऐसी बात हो रही है प्रेगनेंसी की बात हो रही है ब्रेस्ट फीडिंग की बात हो रही है वगैरह वगैरह तब समझे वो पर्टिकुलरली औरतों की बात हो रही है तो इस हदीस में इस पार्ट में अलहमदिल्ला बोथ आर इंक्लूडेड कि ऐसा शख्स भी हो सकता है वो मालदार हो हो सकता है सी ई और उसके पास पैसा है अच्छी कास्ट भी है और वो जो है बुलाता है जो है बदकारी की तरफ और, और औरत कह दे कि जी इन्नी अ ख़ाफुल्ला और ये जो है बहुत बड़ी बात <laughs> है तो मैं, तो मैं इस इस बात अल्लाह ताल से वो गुमान के मुताबिक इसमें <laughs> इस सारी डिग्रीज मैं समझता हूँ इन शामिल होंगी ज़रूरी नहीं इसमें वही एग्जैक्ट मोमेंट शामिल है कि आप लोग एक कमरे में बंद हैं और आपके पास फुल अपॉर्चुनिटी है शायद इसमें यह भी है कि आपने वो जो दावत की का आने वाला टेक्स्ट मैसेज है उसको इग्नोर किया actually, you know. actually, स्कॉलर्स क्या कहते है इस बारे में कि इसमें तो आया ना ज़ात मन सबिन व जमाल जमाल ब्यूटीफुल हो सकता है कि वो बंदा इतना खूबसूरत ना हो इट्स हैव जैसे आपने बात की ना कि हो सकता है कोई फोटो ही आ गई सिर्फ आपके सामने लेकिन आपने अपने टम्पटेशन पे कंट्रोल किया हो सकता है कोई ऐसा मैसेज आ गया वो इस नाट आ गया कुछ भी हो सकता है और वो चाहे हो सकता है खूबसूरत भी ना हो द मोमेंट यू ट्राई टू कर्ब योर टैम्पटेशन तो आप इस इनशा कैटेगरी में आ जाते हैं और आप ये कहते हैं कि इन अखाफुल्ला मैं यहाँ से एक स्टेप आगे नहीं बढ़ूँगा और बड़ो अगर हम इबादर रहमान से बनना चाहते हैं ना तो उनकी एक क्वालिटी क्या है वला यजनून मई य वो जना नहीं कहते Hmm. पर आज का जना बहुत आम हो गया यार हर तरह का जना ना, ना, तो मैं समझता हूँ कि वल्ला जब आपको कोई लड़की ऑफर कर देना आपको ना ब्लिंक होना चाहिए गुडनेस टू टू एंड दैट शेड आप वाला ही इस हदीस में अमल करते हुए ना इनकार करते हो उसका दिस इज नॉट डेली बेसिस पे हो रहा है हाँ मतलब दिस इज हैपन सबके साथ शायद ना भी हो लेकिन जिनके साथ होगा मे बी वंस और ट्वाइस और कोई बहुत ही आ, लकी हो जिसके ज्यादा इस इन सेंस में ये अपर्चुनिटीज मिल जाए अल्लाह किसी को इस आजमाइश में मत डाले हाँ, ये बहुत बड़ी आजमाइश है लेकिन मैं कह रहा हूँ अमल करने की ऑपर्चुनिटी सबको नहीं मिलेगी सो जिसको मिले है ना उसको तो कहना ये सोचना चाहिए कि यार ये मेरे पास मतलब एक है इफ आई एम एबल टू डू दिस ना तो ये अच्छा, है है ना अगर एक boy, एक यूनिवर्सिटी का बॉय लड़की कह रही कि प्लीज मिल लेते हैं आप इस आ सकते हो बिल्कुल एक लड़की को लड़का कह रहा है कि प्लीज रिप्लाई टू टेक्स्ट और उसके दोस्त कह रहे हैं कि ना इतनी मोलवन ना बनो रिप्लाई कर दो मिल लो क्या है कि ये करने से आपको इनशा अल्लाह के अर्श का साया तो मिलेगा ही मिलेगा इनशा इसके साथ साथ दुनिया में भी अल्लाह सफ़ी आपकी डिफिकल्टीज को दूर कर देंगे इसकी क्या दलील है वो जो तीन लोग फंस चुके थे जी उन्होंने एक बंदे ने जिक्र किया ना कि या अल्लाह मैंने आपकी रजा के लिए आई वाज ऑलमोस्ट यू नो आई वाज अबाउट टू डू एक्ट लेकिन मैं पीछे हो गया क्योंकि उस लड़की ने कहा इतकुल्ला अल्लाह ताला से डर जाओ तो अल्लाह ताला ने उनको परेशानी से निकाल दिया तो आपको दुनिया में भी इंशाल्लाह आपके लिए आसानियाँ पैदा हो yes, जाएंगी yes. और आखिर में तो रिवॉर्ड हमारे आयीन तम इसको ना यूथ याद कर लेना ये आपने ना मोबाइल के वाल पेपर पर पे लगा लें या अपने कमरे में लगा लें ट्रांसलेशन बताएं जो लोग तकवा वाले हैं ना जब शैतान उनको आगे उछक लेते हैं या पकड़ लेते हैं ना वो अल्लाह को याद कर लेते हैं जैसे यूसुफ ने कहा मज़ अल्लाह ठीक है इस तरह से मुख्तु अम्बिया ने मुख्त मौक़ों पर फ़ौर से मुश्किल वक्त में अल्लाह को याद किया फ़ाइजा हो मुबसरून वो ऐसे हो जाते हैं जैसे देख रहे हैं हर चीज़ यानी जो पर्दे थे ना शहवत के जो उन पर आ चुके थे

तो हमने भी ऐसे ही करना है इनशाला अगर आप देखें कि यूनिवर्सिटी में कोई जगह ठीक नहीं है कैंटीन है एक्स-वाई-जीड़ जगह है वहां से आप निकलें, सिर्फ जिक्र से अलहमदिल्ला एक तो एस्पेक्ट कंप्लीट होगा लेकिन अगर आप वाकई अपने आप को बचाना चाहते हो आ, वहां से ना एक और काम भी करें आप यार इसमें सोचने वाली बात यह है कि

अगर यस इंसान खूबसूरत मर्द है यार इमेजिन तो यूथ ना आजकल यानी दे आर कंसर्न अबाउट देयर यानी हेल्थ दे आर मैनली हेल्थ एक्स वाई जेड स्टाफ एंड उनकी कहां कहां पे हैं तो आप आ जाते हैं हदीस के मिजदाक में कि अगर वो हुसन वाली है और सब्जेक्टिव जिससे बात कर रहे थे

आपको ये कहीं से ना वो वो ना आ रहा हो कि यार मेरी इस चीज़ को पता लगे कोई तारीफ करे या किसी को जाके बताऊँ तो यू नो अप्रिसिएशन यू वी लाइक टू बी अप्रीसीट है ना एक नेचुरल ह्यूमन फितरत है बस इतनी खामोशी से करना कि बिल्कुल भी ना किसी को पता ना लगे और इसमें ना आप नोट करें जो शुरू में हमने पहले चार कवर किए ना दे आर जनरली रिलेटेड टू पब्लिक टाइप चीज़ें हाँ और अब ना प्राइवेट शुरू हो गए हाँ, हाँ बिल्कुल प्राइवेट पिछला वाला जो है वो आपका प्राइवेट मामला है वन ऑन वन नहीं बिल्कुल किसी और तीसरे बंदे को नहीं पता यस और इसमें भी अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अब ये प्राइवेट मामला है आपने इतनी खामोशी इतनी सीक्रेटली करना है कि उसका आपको ना दूसरे हाथ को भी ना पता लगे एंड हाँ। इसका जो अजर है सुभान अल्लाह यू नो बल्कि बल्किंग हाँ। के बहुत सारे जो लोग अंडर द शेड के ना अर्श के सय के तले जो लोग आ रहे होंगे कुछ और हदीस में भी जिक्र आता है अक्सरियत जो है ना उसमें से वो है चैरिटी वाले लोग जो बहुत ज़्यादा अच्छा। कसरत से चैरिटी करते थे यस yes. सो so, ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है अच्छा इसमें ये भी बताते हैं कि चैरिटी पब्लिक करना जायज़ है हाँ पब्लिक में क्या देना कि मैं इतने देता हूँ डोनेट करता हूँ इतने देता हूँ जैसे यूथ लब भी अलहमदिल्ला फंड रेजर करता है रगबत दिलाने के लिए आ, साहबा ने की लेकिन इस हदीस में स्पेसिफिकली स्पेसिफिकली प्राइवेट चैरिटी का जिक्र है क्योंकि बही न कहान अल्लाह वही बात है कि आप और अल्लाह के बीच में ना और इसमें एक रुपया भी आता है यार क्योंकि पता चलता है कि इसमें फिर इखलास है ना हाँ जब किसी को पता नहीं चला हाँ। आपको पता है और आपके, आपके रब, रब, रब को पता, पता है और सुफ़्यान अल्लाह यार इमाम जहरबिदीन अली बिन हुसैन बिन अली बिन अबी नबी तबर हालांकि अहलबैत में से हैं लेकिन वो नफ़रत करने वाले भी थे ना नाबैद के कुछ इन्होंने ना लोगों ने इनके बारे में मशहूर किया था कि ये स्टेन जी ये माल खर्च नहीं करते अच्छा इनके बारे में मशहूर था बट इन्होंने कभी जस्टिफाई नहीं किया कि ये थे किसी दूर दराज जगह के जी, और, जी, और इनको फिर चेक करने के लिए थे और ब्रो अल्लाह जब इनकी वफात हुई इनको जनाजा आ, से पहले गसल दिया जा रहा था जब लोगों ने गसल दिया ना जिन्होंने तो उन्होंने इनकी एक निशानी बताई कि इनके ना कंधों पर ऐसे मार्क्स थे बड़े हैरान जैसे मजदूर के मार्क्स नहीं होते हालांकि ब्रो तो क्या करते थे शायद काम या पता नहीं क्या चीज़ मामला था उनका द डे ही डाइड एक दो तो दिन बाद हंड्रेड प्लस फैमिलीज घर से बाहर आ गए कि वो शख्स चला गया जो ज़रा रात को हमारे घर में राशन ड्रॉप किया करता था तो खामोशी से कौन फौत हुआ पिछले कुछ दिनों में कहाँ चला गया तीन चार दिन से राशन नहीं आ रहा जल्दी रहा मुझे इस बात से वो भाई याद आ रहे हैं आप। हाँ अली मेडिकल वाली। yes, तो ऐसे में कुछ प्रोजेक्ट्स मैं कहता हूँ यार शुरू करने हैं जो रमज़ान नहीं करें आप कहीं दूर दराज एरिया में ना अवतार अपना शुरू करवा दें किसी को ना बताओ और आपका अवतार चल रहा हो और आप किसी बेबा की खदमत कर रहे हो इस इंड से लोग ना जानते हो यार मैं कितने लोगों के बारे में जानता हूँ उनके फादर की डेथ हुई ना वो उनकी उनकी डेथ के बाद पता चला उनकी औलाद ने बताया कि हमें बाप ने नहीं बताया हुआ था कि वो कौन कौन सी बेबा को सपोर्ट करे थे, थे और बाद में उन बेवाओं ने हमसे सुना था कि तुम्हारा बाप मुझे ये सपोर्ट करा था अब तुम भी कंटिन्यू कर सकती हो या नहीं और हमें हमें आज तक आइडिया ही नहीं हुआ कि मेरे वाले साहब कितनी बेवाओं को सपोर्ट करे थे तो ऐसे एक्शन हमें ना सीक्रेटली करने चाहिए जो

ताकीद है कि अल्लाह के नबी ने कहा नबीनिका अगर मैं कुछ चीज़ों पर कसम खाऊँ अल्लाह की तो वो ये चीज़ें हैं यानी एफर्मेशन है, है। और कहा कि ला तो तुम माल सदकत माल कम नहीं करता और ब्रो जिस घर में ना बीमार है ना दा वो मरदा को बे सदका अपने मरीज़ों का इलाज सदका से करो अगर आप चाहते हो ना कि क्यामत के दिन आप रोशनी में हो आप सदका दो बिकॉज सदका रोशनी है कबर में भी और क्यामत के दिन में भी उब्र सदका अल्लाह के गज़, ये सारे अदीस है गज़ब जो रहमान का गज़ब ने उसको है उसको बुझाता है सदका फायर को कोश एक्स्ट, करता है आग को बुझाता है सदका यार वल्ला को दूर करता है मेरे एक शेख ना मुझे तीन नसीहतें की और कहा कि मेरी लाइफ का एक रक्स है उनमें से चले दो बताए थोड़ा एक था कि सदका करना रोजाना और दूसरी चीज़ उनने कही कि कभी अपने आप को किसी से बेहतर ना समझना तो यार सदका हम ना वल्ला इसको बेटल समझते हैं

फ़ैमिली प्रॉब्लम्स में बीमारियों में चीज़ों में थे पर जब उन्होंने मतलब पता लगा कि कसरत से सदका करना शुरू कर दी एंड स्पेशली जब ये नहीं था कि उनके मालो माल थे दे नॉट वेरी फील थी रिच एंड उनकी एक के बाद एक प्रॉब्लम रिजॉल्व होना शुरू अल्लाह अकबर so, मैं मैं यार कुछ वाक़ मैंने मुशाए सुने एक शख्स बड़ा परेशान मदर की तबीयत ख़राब हो गई एमरजेंसी में ले गए डॉक्टर्स ने जवाब देने बात आ गई वो ऑफिस से निकला घर आ रहा है माँ जी को सामान लेने के लिए जो हॉस्पिटल जाना था ब्रो स्पीड ब्रेकर के साथ एक बिल्ली उसके सामने से क्रॉस की लंगड़ी बिल्ली ब्रो कि किसी ने ना गाड़ी ने उसको हिट किया था ब्रो तो इसको ना जल्दी में ब्रो माँ के पास भी जाना था, तरस आया ये रुका इसने उसको पानी पिलाया और कुछ जो पड़ा था वो खिला दिया ब्रो ब्रो घर गया माँ के पास पहुँचा सब रिलैक्स हो गए बैठे हुए वहाँ पर उन्होंने कहा भाई तुमने पैनिक मचाया हुआ था मैं भागा के पहुँचा हूँ और तुमने ये कहते हैं कि यार माँ जी बिल्कुल ठीक हो गई हैं रिपोर्ट्स अचानक चेंज हो गई हैं और निका कैसे हो माँ जी इतने पुता जब मैं तकलीफ की मुझे से एक ना ऐसे नैप सा आया और नैप पर मैंने दुआ की एक बिल्ली जो थी वो कुछ बोल रही थी और अल्लाह से दुआ कर रही थी एंड आई बेटर अच्छा मुझे हदीस याद आ गई कि जो सदका है वो जो परेशानी मुसीबत आने वाली होती है बीच में वो बैरियर बन जाता है रोकयामद yes, के दिन तक वो ताला की तरफ से जो होते नहीं अल्लाह के आफात और बलाओं से और आजाद रहता रहता को बचाता है आगा। आगा। और एक और यार सुफान एक बंदा था वो अब्रॉड में था उसको कार्डियोवैस्कुलर डिजीज डायग्नोज होगी और उन्हें आपका हार्ट इतने परसेंट फंक्शन कर रहा है आपका सर्जरी करनी पड़ेगी और सक्सेस रेट इसका अराउंड फोर्टी टू फिफ्टी परसेंट के बीच में है तो इस सेट के कैन यू अलाउ मी टू ट्रैवल ट्रेवल नो नॉट रिकमेंडेड एट ऑल डॉक्टर्स ने पैनल ने कहा कि नॉट रिकमेंडेड सो ही केम टू इजिप्ट उसने कहा मैं अपने रिस्क पर जा रहा हूँ उन्होंने कहा साइन कर ले आप हम नहीं रिकमेंड कर रहे हो ठीक है चला गया ब्रो वो वो चला गया ब्रो अपनी फैमिली वालों के पास जा रहा था अपनी जो गली में थी रोही सोन ओल्ड वुमेन अपने छोटी बच्चे के साथ ना ब्रो जो वो कसई था ना कसई वो जो आ, फैट होता है या जो छिछड़े होते हैं और जो हड्डियाँ होती हैं वो उनको ना साइड वगैरह फेंक रहा था एंड शी कलेक्टिंग वोज बोन्स उसने कहा माजी क्या कर रही हैं आप कहती हैं बेटा ये वो गोश्त है जो हमें पूरे महीने में खाने को मिलता है तो इसको हम बॉयल करते हैं उसको खाते हैं अब इस बंदे ने बहुत ज़्यादा माल कमाया हुआ था तो इसने कहा मेरा क्या माल फायदा है अगर मैं बचा ना बचा वो जानने वाला था मोहल्ले का कसाई था उन्होंने कहा आइंदा ये हर हफ्ते आपके पास आएंगी हर हफ्ते आप गोश्त देना आपने इसको सारा बिल मेरी फैमिली से लेना है प्रो उसने हाथ खड़े कर दिया अल्ला ने अल्लाह तेरी मुश्किलें आसान फरमाए अल्लाह तुझे इज्जत दे अल्लाह तुझे वे देते अल्लाह तेरी आसानियाँ करे जो अरब कल्चर भी है प्रो वेंट टू फैमिली वेंट वें बैक बिफोर द सर्जरी ऑपरेशन जो फाइनल टेस्ट करवाते हैं वो करवाया उसने अल्लाह डॉक्टर्स हैरान हो गए एंड देश शक किया डाउट किया कि ये टेस्ट किसी और बंदे के हो गए हैं रिजल्ट मिक्स एंड मैच हो गए दोबारा कराए ब्रो जो जो आ, कार्डियो जो वेसल्स थी ना ब्रो दे वर ओपन ना की जरूरत थी वहाँ पड़ी ना उसके ऑपरेशन करने कर, की जरूरत पड़ी उन्होंने कहा क्या किया आपने hmm. आपके सारे आप, आपको सर्जरी की जरूरत ही नहीं है ही आई वो जो मैंने उस खातून को सदका किया था ना उसे हाथ खड़े कर दिए थे यार ये चीज़ यार सदका के आप ये देखें ना कि इसका बेनिफिट आपको दुनिया में कितना ज़्यादा मिल रहा है जी मतलब आखिरत में तो है, है। आपको साया मिल ही रहा है लेकिन दुनिया में किस लेवल का है कि ना तो आपका रिस्क कम हो रहा है <स्थिव> आपकी आसानियाँ टहीं मतलब दुनियावी तौर पर फायदा ही फायदा है वो असल जो है ना असल माल तो यार वल्ला ही वो है जो हमने आगे भेज दिया है वल्ल वरना वरु खुदा कसम यार प्लीज़ ऐसे लोगों में सही अल्ला वरना मुझे बनना हम सबको बनाए कि जो मौत के टाइम कहें कि यार मेरे को लाखों रुपये वो छोड़ के मैं जा रहा हूँ और मैंने कोई खर्च क्यों नहीं किया और रिग्रेट करके अपनी वो पसीने की मेहनत और नमाजों को मिस करना और सन्नतों को मिस करके जो हमने पैसे कमाए हम उन लोगों में से बन जाएँ कि वो छोड़ के चले जाएँ क्योंकि अल्लाह के नबी आशा के पास आए थे ना आशा के पास कि क्या पढ़ा वैसे रसोल्ला सब कुछ चला गया एक, एक, एक दस्ती पड़ी हुई है तो आपने कहा एक दस्ती रह गई है बाकी सब कुछ आगे चला गया यानी जो सब प्रिजर्व हो गया ना वो सारा है जो ये रह गया ना असल असल असम हमारा ना फियर बढ़ा है हाँ हमारे ना जहनी तौर पर फियर है कि अगर दे दिया पता नहीं मेरा क्या बनेगा यू नो जब मैं पढ़ा सीरियल पढ़ था ना तो उसमें जब वैन प्रोफेसर हम पास हुए तो क्या पीछे छोड़ के गए थे कुछ, कुछ भी नहीं कुछ भी नहीं पहले जो दिनार थे जी भी दे दो एंड हाउ मेनी होम्स वॉज रनिंग नाइन होम्स नौ घर उनके समाज सिस्टम चल रहा था ना तो यार अल्लाह ताला ने चलाना होता है क्योंकि एक्चुअल हम समझते हैं कि अल्लाह के वसल्लम गरीब थे हालांकि गरीब नहीं थे ब्रो वो स्पेंड इतना ज़्यादा किया करते थे कि उनके पास कुछ नहीं होता दे 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 अच्छा दे के बाद जब वो आया और उन्हें शख्स ने कहा कि ये पसंद है उसने कहा हाँ बदू था कहते ले ले सारा कहते सारा उन्होंने कहा सारा पे ईमान ले आओ इतना नवाजते हैं कि फकीरी का डर ही कोई नहीं और यू थिंक बिलाल, क्या आती है ना रहे मत डर के अर्श का मालिक तुझे खर्च कर से रुकेगा अच्छा मेरा यकीन आ गया रिलेट करता हूँ ये तो मेरा मैंने एक तो बनाया हुआ है और एक है भी कि आप जब भी अल्लाह ताला के सामने ना कोई क्वालिटी शो करते हैं ना जो कि अल्लाह की क्वालिटी होती Allah है तो अल्लाह ताला को ना घैरत आती है कि तू Allah. मेरे से ज्यादा जेनरस नहीं बन Allah. सकता सो यू ट्राई टू बिकम वेरी मच जेनरस अल्लाह सुभान अल्लाह बिकम्स अ बिगर जेनरस देन यू बिकॉज़ दैट्स व्हाट द मतलब ही इज बिकॉज़ ही इज ही एक्चुअली इज एंड सेम गोस फॉर रहमा

रो एक वो मलेशिया के अभी मिल ही नहीं रहे ब्रो ही इज़ अ टॉप गाइन ऑफ मलेशिया हमारे शेख तोफीक चौधरी के दोस्त हैं शेख तोफीक बता रहे थे कि वेन दे केम फ्राम फ्राम नेपाल तो uh, कहते हैं कि मैंने अपने दोनों जूते बेचे टेन रिंगट्स के लिए और जब मैं uh, वो उसे ट्रेड किया मैंने अराउंड ट्वेंटी रिंगेट्स कमाए तो मैं घर ले गया कि अम्मा जी ये कमा के आया हूँ अम्म ने कहा इसमें से दस निकाल दें कहते हैं अम्मा जी अम्मा जी हाउ अबाउट ट्वेंटी को फोर्टी करो फोर्टी को एटी करो बड़ा और फिर अच्छा खासा चक निकालो हमने कहा नहीं, नहीं पुत्र ये सदका अपॉर्चुनिटीज देगा तुझे अपॉर्चुनिटीज रब की तरफ से आती हैं जो सदका ट्रिगर करता ये तूर्णी 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 है अपॉर्चुनिटीज को यार तो वी शुड स्टार्ट गिविंग अर्ली चैरिटी एंड मेक दिस गिविंग ऑफ चैरिटी अ स्ट्रेटेजी टू बी रिच सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ते हैं मेंटर से पास जाते हैं बिजनेस करते हैं यार ये भी स्ट्रेटेजी बनाए देना शुरू करते हैं इन अल्लाह अल्लाई करेगा इन हाँ और इस कैलकुलेशन से ना जो बायरी आपने भी बताई ना कि ट्वेंटी कमाया तो मैं ट्वेंटी का फोटी करूँगा ये कैलकुलेशन हमारी जहन की लिमिटेशन शो करते है अल्लाह के लिए ट्वेंटी को एट बनाने का मसला तो नहीं है ना ये हमें लगता है ट्वेंटी से थाउजेंड ही बन सकता है तभी हम कहते हैं नहीं यार टेन इधर रख लो इस तरह की कैलकुलेशन लगते हैं तो अपने आप को इससे बाहर निकालें इन स्टडीज में सेवर की केस स्टडी है हैल्बे की केस स्टडी है अच्छा आखिरी आखिरी बंदे पर मूव करते हैं इन विच द सेविन बंदा और वो ये है कि वो रजुल रजुल ये अकेले में अल्लाह को याद करता है उसकी आंखों से आंसू बह पड़ते हैं तो साथ क्या कहते हैं इस वाले से शेख ये तो दिल का मामला है अब आप ये देख लें कि बंदे का असल पता तभी चलता है कि वो अकेले क्या कर रहा होता है हर बंदा अगर देखना चाहता है ना कि मैं कहाँ पे स्टैंड करता हूँ तो बस वो ये देख ले कि मेरी तनहाइयाँ कैसी गुजर रही हैं अगर मैं तन्हाइयों में थोड़ा सा बोर हो रहा होता हूँ और मैं अपना मोबाइल बाहर निकाल लेता हूँ और घंटों घंटों स्क्रॉल कर लेता हूँ या नेटफ्लिक्स के ऊपर अपना टाइम गुजारता हूँ या कुछ और करता हूँ तो इट मीनस दैन देर इज़ ए प्रॉब्लम मुझे अपनी तन्हाइयों में कुछ एडिशनल करने की ज़रूरत है तन्हाइयों को बेहतर बनाने की जरूरत है अब आप उस शख्स का अंदाज़ा लगाएं कि ज़ाहिर बात है कि जो बंदा उस सो टू से फ्री टाइम में अकेला है कोई भी नहीं देख रहा वो वही वो करता है जो उसको मुनासिब लग रहा होता है उस वक्त उसके दिमाग के मुताबिक रहे अब जिस बंदे का माइंडसेट ही ये है उसका दिल अल्लाह के साथ जुड़ा हुआ है और वो अकेला ऐसा नहीं है कि उसके पास हो सकता है यानी उसके पास वसाइल भी होंगे मोबाइल भी होगा सब कुछ होगा लेकिन वो सब कुछ साइड पर करके ना अकेला बैठा हुआ है जिससे वो सबसे ज़्यादा मोहब्बत करता है हुफ़ैन वा उनके बारे में सोचना शुरू कर देता है अब इसमें नेमते भी आ जाती हैं और आज आप ट्राई करके देख लें जितने भी जो गुरुज हैं मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं मुस्लिम्स और नॉन मुस्लिम्स वो आपको बताते हैं कि जी अपने अंदर ग्रैटिट्यूड लेके आओ योर लाइफ विल बिकम मच मोर इजियर ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड राइट अब देखिए ये उसका आ, कहते हैं ना कि अमली नमूना है हमारे सामने मीनिंग ये अकेला होता है और अल्लाह ताला की नेमतों पे फोकस करता है कि या अल्लाह मैं एक नेमत गिनता हूँ तो मैं इतना दब जाता हूँ आपकी नेमत के अंदर कि बाकी नियमतों तो बहुत आगे की बातें व इन तरद ने मतलू आपकी एक नेमत का भी मैं सही तरीके से हक अदा नहीं कर सकता प्राइसलेस आप एक आँख की मिसाल ले लें बंदे को एहसास तब होता है जब उसके पास आँख ना हो और वो चाहे कि इस दुनिया का सबसे अमीर तरीन इंसान है वो ये चाहेगा कि मेरी दौलत मुझसे चली जाए लेकिन मुझे मेरी आँखें वापस लुटा दें क्योंकि इस आंख का मैं क्या कर सकता हूँ जब तक मैं अपने बच्चों को नहीं देख सकता मैं गाड़ी सही तरीके से नहीं चला सकता मैं घर को इंजॉय नहीं कर सकता क्या फ़ायदा इस पैसे का अब एक नेमत अगर ऐसी है जिसकी कोई प्राइस नहीं है प्राइसलेस है या अल्लाह आपने तो मुझे अल्लाह अकबर क्या कुछ दिया है फैमिली है फैमिली में सब कुछ ठीक है अहलोयाल हैं बच्चे हैं स्पाउस हैं सिबलिंग्स uh, हैं पेरेंट्स हैं रिश्तेदार हैं छत है जबकि अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि जिस शख्स ने इस हाल में सुबह की कि उसकी सेहत अच्छी थी और उसके ऊपर छत थी और उसके पास उस दिन का खाना अवेलेबल था इट इज़ एज इफ दिस पर्सन इज़ किंग ऑफ दिस दुनिया कि ये बादशाह है दुनिया कदमों में बिछा दी दिख या अल्लाह मेरे अकाउंट में तो इतने लाखों करोड़ों रुपये पड़े हुए हैं छत क्या मेरे पास तो इतने बड़े बड़े घर हैं सेहत क्या सेहत मैं तो सब कुछ करता हूँ असल में तो ये एहसास इंसान को तब होता है जब वो अपने से नीचे को देखता हुँ। हुँ। है तो खासतौर पर आज के लोग जो गाजा के लोगों को देख के ना जितनी ज़्यादा नेमत का एहसास बोल ये अब होता है ना कुछ ना करते हुए मैं ये नहीं कह रहा कि मेरा कोई बहुत ज़्यादा कोई लकी ड्रॉ में पैसे निकल आए या कोई प्रॉपर्टी मैंने पिन किया वगैरह वगैरह आई एम नॉट सेट याल्ला री पे नहीं कर सकता मेरे हाथ उठे हुए हैं या मैं हाथ आपके सामने उठाता हूँ <coughs> मेरा सर झुकाव या अल्लाह तू मुझे बख्श दे दिस इज ऑल वट आई कैन से या अल्लाह मैं इससे बढ़ मैं क्या कर सकता हूँ मैं मोहताज हूँ मैं बेबस हूँ या अल्ला अकबर कि बंदा कैसे रीपे करेगा शेर अकबर कैसे तो रीपे तो कर सकता है, है तो अल्लाह ताला हमें ऐसे लोगों में शामिल फ़रमाए अच्छा इसमें जो आ, ये जो है ना इधर रजुल ज़रुआन हफाजत आईना मैं जो इस चीज़ में ना जो इस पूरे जो बंदा है इसमें देखता हूँ ना वो जो जो वर्ड अंडरलाइन करता ना वो है खाल देट इज दीक्रेट वर्ड फॉर मी इन दिस फ्रेज असल ब्रो मेरी हकीकत ना यहाँ पे नहीं है तो हा जलील इज नॉट दर्सन रेयर तो हा बेडरूम में है वो मेरी जो असलियत है ना वो बेडरूम में है कि मैं कैसा इंसान हूं okay. पब्लिक में तो हर कोई अच्छा है, ब्रो।, है uh. ब्रो असल जो है ना अलअसल hmm. दीन की और किरदार की वो तन है ब्रो और तन्हाइय भी जब कोई भी साथ नहीं है यह शख्स जो रो रहा है ना अल्लाह के सामने यह तन्हाइयों में गुनाह नहीं कर रहा बल्कि इसका अपोजिट है कि यार मुझसे क्या हो गया वाँ। वाँ। तो मैं समझता हूँ कि इमाम हसन वसीम कहते थे ना कि यार डोंट बी एन एनिमी ऑफ शैतान इन पब्लिक एंड इज फ्रेंड इन प्राइवेट पर इसमें यह मैं ऐड करता हूँ कि डोंट बी ए फ्रेंड ऑफ अल्लाह इन पब्लिक एंड इज इन प्राइवेट जब इंसान अकेले तन्हाई में जाए इब्रो वहीब इब्न वर्द को जो है ना किसी ने कहा कि मुझे नसीहत करो जामे कीजिएगा शेख उन्होंने ना वाह ब्रो ये मेरे लिए ना सबसे इम्पोर्टेंट नसीहत है उन्होंने कहा इत अकून अल्लाह अहन नागरीन इलेक्क डरना इस बात से कि तू देखने वालों में से राब को सबसे नीचे ला के खड़ा कर यानी बी वेयर ऑफ मेकिंग अल्लाह सुबहना द लीस्ट सिग्निफिकेंट ऑफ ऑल ऑब्जर्वर्स ऑन यू कि तू अपनी मेड से तो हया करे मेड जिसको तू पैसे देता है अपने अपने बच्चे से जिसको तू थप्पड़ लगा के भेज देता है अपने घर वालों से अपनी बहन से तो तो रोड चलते हुए हाँ। किसी मजदूर से।, से तो हया करे अच्छा बट तू जो है ना पर्दे बंद करके कुंडी लगा के आलमीन के सामने डंके की चोट पे गुना करे अब ये अच्छा, जो मैं क्विकली अगर आप मुझे जैसे दिन तो बताओ कुछ चीजें जो गुनाह को ना कबीरा बना देती हैं वो पांच है इस्तेकार अल अल जिहार अलजुरा अलयास क्विकली किसी गुनाह को ना हकीर जानना hmm. सब कर रहे हैं मैं कौन सा कोई नया गुनाह कर रहा हूँ ये अल्लाह मुझे इस वजह से अब जानना में डाल देगा यार मैंने एक शख्स ये बात सुनी यार अल्लाह में बड़ा दुख हुआ तो आप ही मुझे अल्लाह इस वजह से जरना में डाल देगा कि मैं ये गुनाह कर रहा हूँ सल्फ कहते हैं कि ला तंजुर शोरिया वालकिनला औसमुदीमन आ सईद बस देख गुनाह कितना छोटा है बड़ा ये देख किस रब की नाफरमानी करे तो हकीर नहीं जाना चाहिए तो बड़ा जाने गुनाह को ना बड़ा जाने जैसे साहबा कहते थे लंबी उसमें सल्फ अकबाल है दूसरा अल इसरार पचास साल हो गए हैं बीस साल हो गए मैं वो गुनाह कर छोड़ नहीं पा रहा हूँ तीस साल हो गए मैं से आंखों की जना नहीं ख़त्म हो रहा हूँ मैं से पॉलिटिक्शन ख़त्म नहीं हो रही इतने साल इस वम यूसर आलाम वह लोग इसरार नहीं करते तो ये भी ना कबीरा कर देता है ला सही माल इसार वाला कबीरतमाल इस्तार सगीरा नहीं रहता सीरा इसरार करने से बड़ा बन जाता है और कबीरा नहीं रहता हो गया कतल हो गया नहीं रहता इस्तफार करने से तो इसख़ार भी नहीं इसरार भी नहीं अलजहार ओपन भी ना करें चाहे छोटा सा गुनाह भी करें कोई गुनाह हो गया छोटी मोटी जुल्म और जी हो गई उसको बबना बताएं पार्टी में चले गए शराब पी ली डोंट टेक अ सेल्फी सेल्फीन अपलोड डोंट टेल यू फ्रेंड्स खुल उमत ही मुजाहरीन अल्लाह के मेरे सारी उम्मत को माफ़ कर दीजिएगा पर्दा डाला था ये बता देते हैं जरूरत करना ब्रो यानी में यहाँ से वो बात याद आई थी जरूरत पता क्या है नॉट इवन हेजिटेटिंग बिफोर क्लिक नॉट इवन अजिटेशन बिफोर कॉलिंग गर्लफ्रेंड नॉट इवन अटेस्ट और ब्रिंक ऑफिटेशन और एक हया फ्रॉम अल्लाह तो 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 मैं ये करने लगाऊँ तो कोई रबी तो है मेरा जिस जिसके सामने जो मुझे देख रहा है पकड़ सकता है वह हु माँ को मई न मकुन तुम लेकिन ये ये जरूरत है ना यार अब मैं समझता हूँ किन्शियसनेस अब, of, of अब देखिए ना कि ना। अब आपने अल्लाह की कीत के बारे में बात की है और मैं समझता हूँ कि हमें ना ये दुआ याद कर लेनी चाहिए कि किफ़ा कल बिल्ल बफिस तश्बाबिल्लाजाबल्हा وَمِن عَيْنٍ لا <تَدْمَع> Allah hata, Allah मैं ऐसी आँख से आपकी पनाह तलब करता हूँ जो रोती नहीं है अल्लाह hmm. इतने अज़ीम हैं अल्लाह को पता है कि हम प्राइवेट <coughs> कितने गुनाह करते हैं अल्लाह <coughs> पर्दे भी डालते हैं और प्लस शायद हो सकता है कि इंसान ना जज कर पाए समझ पाए कि एक आंसू जो वह बहाता है अल्लाह ताला की रज़ा के लिए इसकी क्या कदर कीमत है हो सकता है कि इस बंदे के जो गुनाह हैं इससे ज़मीन आसमान भर चुके हों अगर आप ये सातों समुद्र का पानी मिला के अगर उस आग को बुझाना चाहें वो नहीं बुझेगी लेकिन अगर आप एक कतरा अल्लाह ताली की खशियत में अल्लाह ताली के डर से अल्लाह तै के खौफ़ से अल्लाह तै की मोहब्बत से अगर आप वो गिरा देते हैं ना आपके सारे गुनाह एज़फ़ के वो थे ही नहीं फ्लाम करीम है ना करीम का जो है ना ब्रो मैं सोचता हूँ कि अल्लाह तै हमारे गुनाहों को यस्तुरुना छुपाता है सुम्मा युनादीना फिर हमें पुकारता है फिर हमारे गुनाहों को तोबा करता है माफ़ करता है हमें उसके शर से बचाता है उनको नेगी में कन्वर्ट करता है और फिर हमें जन्नत में डाल देता है यार ब्रो इसमें इसमें, जो काम करना है ना बोलो मतलब अगर ये ये जो लास्ट पॉइंट है ना मतलब हम शुरू रूलर से हुए थे ना ये इसके लिए इट कुड भी है yes. यू yes. नो ये आपकी गुर्बत सेहत ड मैटर आप अकेले किस टाइम है और आंसू बारे यू नो जनरली जो एक सिक्लूजन होती है जो रात के टाइम की है तजद के टाइम स्पेशली कंसिडरिंग द नाइट्स जो आजकल चल रही हैं यू नो दिस इज़ लाइक दर्चुनिटी एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी हमारे wow. लिए है एंड आई थिंक हमारा ये खत्म हो, हो रहा है, है इन टाइम्स पे जिसमें पे ये चीज़ yes. इस वक्त पीपल कैन डू इट राइटर दी एट दिए सब चीज़ें जो चार पाँच चीजें बताइए हमने yeah. एक चीज़ करनी है अल्लाह ने पाँच छः दस चीज़ें हमारी रेडी रखी है wow. हाँ. so, मुझे जो तो एक पर्सनली ना हजद के टाइम और इस पर एक चीज़

जिन्होंने सही कि कुछ लोग आए पूछते हैं कि महबा मतहदसन वजूहन अल्लाह कहते हैं कि ये बताएं कि जो लोग रातों को जागते हैं नमाज पढ़ते हैं जाहिर बात नींद पूरी नहीं होती होगी मिनहसन ऐसी वजूहान इनके चेहरे इतने रोशन इतने प्यारे होते हैं कहते हैं रहमान बरहान फरमाते हैं कि ये वो लोग हैं जिन्होंने अपनी ख़लबत रहमान के साथ गुजारी होती है इसीलिए अल्लाह ताला अपना नूर इनको पहना देते हैं so, so, किसी ने ना अभी चंद दिनों पहले वो एक क्लिप भेजा देखा आपने वो तीन अरबी हैं गाड़ी में बैठे हुए और सामने से है वो कैमरा ना एक गाड़ी चला रहा है एक साथ पैसेंजर सीट बैठा है और पीछे वाला जो है ना वो तो उछल रहा है ना पता नहीं बहुत ज़्यादा उछल रहा खुश है बहुत ज़्यादा तो उन्होंने ऊपर कैप्शन लिखी हुई थी कि ये वो बंदा है जो तजुद पड़ता है <laughs> जो <laughs> पैसेंजर सीट था ना वो भी खुश था वो भी ऐसे ऐसे करता है और जो ड्राइवर था ना वो बहुत नमाज फर्ज़ छोड़ी थी और जो साथ वाला था ना वो थोड़ा लेकिन वाला ना पीछे। वो वाला 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 था ना बड़ी इंटरेस्टिंग बात एक खातून वो मुसलमान हो गई ये देखे कि मुसलमान मर्द होते हैं मुसलमान मर्दों के देख के और एक वो देखी है और सारा ऐसा था, था कि यार ये कभी रोते नहीं होंगे बट जब उनने वीडियोज़ देखी कि हरा में रो रहे हैं लोग शिविके मुस्लिम यार और सुफीन अल्लाह याह बिन मीन रायल्ला वो इतना रोते थे कि डॉक्टर तबीब के पास गए तो उन्होंने कहा कि आपकी आँखें बहुत कमज़ोर हो चुकी हैं आप मत रोया करें आज के बाद आपने नहीं रोना तो कहते हैं फे फ़ी आईन ला तुबकी क्या खैर है उस आँखों में जो रोती नहीं है और अब बकर सदीक अपने कुछ साथियों के साथ बैठे हुए थे तो वो लोग ना जब क्या का जिक्र हो तो रोने शुरू हो गए तो कहते हैं कि हा कहकुन कुन्ना सुम मकसद को लू बोना हम इस तरह हुआ करते थे पहले फिर हमारा दिल सख्त हो गया दिल की सख्ती का ना ब्रो एक साइन है और वो ये कि आंखों से आंसू ना निकले जिस बंदे को नमाजों में क़ुरान सुन के रोना नहीं आता ना ये दिल की सख्ती का साइन है और जिस रब जिस बंदे को बात बात पर रोना आ जाता है ना ये उसकी उसके दिल अल्हम्दुलिल्लाह नरम है और सुभान अल्लाह अगर आपका सा के साथ ताल्लुक है ना जैसे इबिलक़ैमज़ी रहमतुल्लाह कहते हैं कि बल्कि इब्न जौज़ी कहते हैं नहीं इब्न जौज़ी रहमतुल्लाह कहते हैं कि इन अलखलवासीरातबैन बिजलवा तन्हाइयों में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो जलवत पे फिर ज़ाहिर हो जाती हैं और कहते हैं कि कम मिन रजुल या तरम दिलवात कितने लोग थे जो गुनाहों से उन अपने आप को रोका तो अल्लाह ने कैसे बना दिया फ़ैक़ुनू का नाहू अदन हिंदीजमर फैकु हो तो वो यस्तन शेखल ख़ला एक वाला नो कहते हैं कि अल्लाह अल्लाह ने उनकी खुशबू आसमानों में फैला दी और लोगों को समझ ही नहीं आती कि ये खुशबू कहाँ से आ रही है बट असल चीज़ थी कि उनकी तनहियाँ खूबसूरत हैं तो जो अल्लाह से लोगों की मोहब्बत जो है ना इनदीन आमन वाम सैद जल्हर्रर्रमाद ये जो वद्दा है ना अल्लाह ताला की मोहब्बत डाल देते हैं तो है। मैं समझता हूँ कि तन्हाइयु में अल्लाह के सामने रोना और आंसू बहाना ये बहुत बड़ा फैक्टर है और अपने पे ना यानी एक तो गुनाहों पे रोना और अपने निफाक से डर के रोना क्योंकि हसन बसरी कहते थे कि वही मुनाफिक है ला खाफ़ा इल्ला मोमिन वला ममिन इल्ला मुनाफिक वही मुनाफ़िक है जो इससे इससे मैं मुनाफिक नहीं हूँ जो कहता है और वही मोमिन है जो इसे खौफ में रहता है इवन एक शख्स असल बसी के पास ही आया परेशान था और कहता है कि शेख मैं मुनाफिक तो नहीं हूँ तो इमाम ने पूछा अतसल्ली इजा खलाउत क्या तू तो नमाज़ पढ़ता है जब तू अकेले होता है ख़लाउत यहाँ पे खलवा का जिक्र है जी जी पढ़ता हूँ वह दस्तखिर ईदा अजनब्त और तौबा इसतफार करता जब गुनाह कर ले कहता जी जी मैं करता हूँ और होता हूँ कहते हैं इधब फमा जल्ला मुनाफी अल्लाह ने तुझे मुनाफी में से नहीं रखा यहाँ पर क्या है अकेले होके नमाजें पढ़ना और अकेले में अल्लाह के समय रोना दिस इज़ अ साइन देट अल्हमद तो मुनाफिक आपने ज़िक्र किया ना कि सॉफ्ट हार्टड पर्सन जो होता है वो बेहतर मतलब असल इस में इसमें जरूरी कि आपकी ओवरऑल पर्सनल उम्रखताब है अल्लाह अब हमारी जो एक इमेज है ना उम्रखताब का वो एक बड़ा डिफरेंट बड़ा माचूर और उस तरह का

और कहते हैं कि लोगों को पता नहीं चलता था कि मैं बीमार क्यों हुआ हाँ वजह नहीं और शफान अल्ला देखिए हज़रतयशा के जो मौला थे गुलाम नाम थे कितने मतलब से मिलने के लिए बल्कि उनके कज़न जो थे मिलने के लिए मैं आया वो सलात दुहा सलादा रही थी तो मैंने कभी नमाज़ ख़त्म कर लेंगी तो फिर मैं काम करके अपने बाज़ार से आ जाऊँगा रो वो कहते हैं कि मैं बाज़ार से अपने काम शाम करके ख़त्म करके आ गया जोहर के वक्त करीब था वो उसी आयत को रिपीट कर रही थी है ना बिन जुबैर कहते हैं और हज़रत आयशा कह रही थी वो की अल्या। अल्या। यार क्या है यार ये जन्नतियों के जबान से अल्फ निकलेंगे जब वो जन्नत में दाखिल हो चुके अच्छा हैं क्या हो सोच रही होंगी जब वो पता क्या सोच रही होंगी मुझे लगता है यहाँ मेरी जबान से भी ये निकलवा दे मुझे भी उन लोगों में से शामिल कर दे जो ये जन्नत पहुंचने के बाद सारे रास्ते क्रॉस करने के बाद ये कह रहे हो देम आपको बड़ा एहसान है तो सबको दे और जो आने वाला रमजान है बकियाल का मजा आने वाला रमजान द बेस्ट ऑफ नाइट्स आर फोर्थ रमजान का बेस्ट पार्ट अभी रहते हैं पास में जो हो गया हो गया मेक इट द बेस्ट हम इलेवेड के पॉडकास्ट इसलिए ख़त्म हैं ताकि वी शुड फोकस मोर ऑन द्राइंग मैं तो वो आखिरी स्टेटमेंट जो है कहना चाहूँगा कि जब रमज़ान के महीन आता है तो आसमानों से आवाज़ आती है यह बाैर अकबिल ए खैर के चाहने वाले हाँ। आगे बढ़ दिस इज़ योर चांस पता नहीं कल मौका मिले न मिले आगे बढ़ अल्लाह तना लें पता नहीं कितनी सांसें रह गई हैं कितने लम्हात हैं कितने दिन हैं दिस इज़ योर चांस यू नेवर नो कि कल हमने सुबह देखने की नहीं देखनी mm. या बाग़ ये शर अक्सर ए गुनागार अब तो रुक जा वट एल्स योर वेटिंग फॉर अब क्या यानी कौन से मोजे का इंतज़ार कर रहे हो अल्लाह ताला ने तुझे बख्शने के लिए जो भी एवेन्यू से तेरे सामने रख दिए अपने आप को बख्शवा ले अल्लाह ताला को मनवा ले और गुनाह से रुक जा और हर गुनागार को पता है कि जैसे ही वो गुनाह करता है एक बेचैनी सी शुरू हो जाती है वो जो एक रिमोर्स रिग्रेट की काश मैं ये ना ही करता तो बेहतर होता उससे पहले पहले ज़रा स्टेप बैक करके दोबारा अपनी ज़िंदगी के बारे में सोच कि मैं कभी भी कभी भी अपने रब को नाराज़ करके खुश नहीं रह सकता चाहे मैं जितना मर्ज़ी आगे चला जाऊँ गुनाहों में ये रियलाइजेशन अपने अंदर लेके आ जा या बाग ये शर अक्सर अब तो रुक जा तो आई थिंक यू नो दिस स्टेटमेंट इज़ फॉर माई सेल्फ यू नो फर्स्टली अल्लाह ताला हमें भी जो है खैर के लिए आगे बढ़ने की तोहफ़े के फरमाए और शर से रुकने की तोहफ़े के फरमाए मै शेख मैं वाइक टू बी वेरी ऑनस्ट मैं सोचता हूँ कि इन बीस तीस तेईस दिनों में हमने जो बातें की ना बहुत बड़ी बड़ी बातें की हैं जैसे बहुत बड़ी बड़ी बातें कि अल्लाह ताला हमें सबसे पहले अमल करने की तौफीक तो किताब हाँ फरमाए ये ना ना हो कि वह जो एक शख्स के बारे में आता ना कि जिसको जहन्नम में डाला जाएगा तो वो कहे लोग कहेंगे कि तू इधर क्या कर रहा तू तो दाई था तू तो दाई था तू तो, तो लोगों को नेकी की तरफ बुलाता था हाँ। वो कहेगा मैं लोगों को तो बुलाता था लेकिन मैं खुद नहीं करता था वो जो आखिरी कुरान की जो आयत ना जो नाजिल हुई थी यादीना अमर उतल वल तंज़ुर नबसुम्द मतली बस यही देखें कि कल के लिए क्या भेजा हैबन फा की कल वीम मैं और आप नंगे पाऊँ नंगे जसम खड़े होंगे अल्लाह के सामने और उस दिन कुछ लोग हसरत कर रहे होंगे कुछ लोग सर झुके होंगे कुछ लोग सर काले होंगे और कुछ लोग मुस्करा रहे होंगे और हंस रहे होंगे और जो है ना वो खुश होंगे अलहमदुल्लि काम मुझे इन तो मुलाक हिसाब ही है मुझे पता था कि मैंने ये करना है और हम अपने घरवालों के साथ डरा करते थे कि हमारा क्या बनेगा तो बस अल्लाह ताला ना अल्लाह ये रमज़ान अल्ला बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है टू तो चेंज आर सेल्वस एंड टू बिकम अ बेटर वर्जन ऑफ़ आर सेल्स अगर हमने इसको ज़ायर कर दिए हैं तो फिर दज़ नो अदर अपर्चुनिटी अगर हमें ये नहीं पता कि नेक्स्ट एलेवेंथ हार भी होगा कि नहीं होगा और रमज़ान हमें मिलेगा नहीं मिलेगा हम में से कौन या होगा हाँ। होगा नहीं होगा एंड सो ये भी नहीं पता कि हमें हम से किसको एंड ऑफ रमज़ान में मिलेगा नहीं मिलेगा वी डोंट नो सो यू नो वट एवर आपटी वी हैव अलहमदुल्ला का, so, you know, का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ताला हमें एक और रमज़ान दे दिए अब जो भी टाइम इसमें है आ, उसको वाला जाए ना हाँ वाला जाए ना यू नो अब बाकी बहुत सारे ऐसे काम हैं जो कि आप ना आगे पोस्टपोन कर देंो यू कैन डू इट आफ्टर ईद यू नो इम्पॉटेंट इम्पोर्टेंट काम यू हैव द होल ईयर डोंट थिंक uh, यार यही दिन है यही काम भी होगा नहीं होगा डेली कुछ नहीं होता कुछ नहीं होता यू यू नो नो वी ऑल नीड टू मेक टाइम कहते हैं गिव uh, you know, जिस है तो हूँ है